Friends, कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उम्मीद करता हूँ हाँ मौज में हम लोग हैं बच्चों एफएम फास्ट ट्रैक के अंदर और आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में कहा था कि आप लोग एक नोटबुक लेके बैठेंगे और एक कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए तो हम लोग आज लिखने का काम पूरे क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बात यह कि चैप्टर का सीक्वेंस क्या रहेगा तो जैसे दिए हुए ना मैंने चैप्टर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन इसी सीक्वेंस में हम करेंगे मैंने इस तरह से चैप्टर रखे हैं कि वो एक दूसरे से लिंक होते चले जाएंगे अब जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर वन ये बेसिकली एक चैप्टर है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर तो उसके अंदर दो पार्ट हैं एक है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर से इक्विटी शेयर बोला जाता है. तो वहां पर कुछ और दूसरा एक कंसेप्ट है उसके अंदर ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस तो मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर के दो टुकड़े कर दिए सबसे पहला चैप्टर हमारे पास ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस रहेगा ये बेसिकली आगे वाली आपकी एफएम का बेस बनने वाला है तो कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का हिस्सा है EBIT and EPS ये हमने फर्स्ट चैप्टर बना दिया है है ठीक हम लोग के पास जो नोटबुक है इसमें पूरे कंसेप्ट चलेंगे साथ के साथ इसी में हमारे बी क्यू पी वाई क्यू सारे क्वेश्चन भी यहां पर चलते चले जाएंगे फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हमारे पास टाइम कम है तो टाइम कॉन्स्टेंट होने की वजह से हम कोई भी इधर उधर की बात नहीं करेंगे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट जिससे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन

एक चीज ये कि ज्यादा स्पीड में मत देखिएगा क्लास एच को बच्चे ना वन पॉइंट फाइव एक्स टू एक्स ऐसे देखते हैं कोई नीड नहीं है क्लास ऑलरेडी इतनी स्पीड में रहती है कि कंफर्टेबल रहोगे आप नॉर्मल में भी तो नॉर्मल स्पीड ठीक है आपके लिए और दूसरा क्लास में जो मैं लिखवा रहा हूं वो आपको लिखना जरूर है कई बच्चे ऐसे करते हैं अरे लिखना क्या है समझ रहे हैं बात खत्म हो गई क्योंकि कई बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ होता है कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता फिर फास्ट ट्रैक ले लेते हैं तो मैं आपको बता दूं आपको एक एक चीज लिखनी है कंसेप्ट और राइटिंग प्रैक्टिस ये दो चीज है जिससे एग्जाम क्रैक होगा ये दोनों चीजें चाहिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता भी होगा आपको पता भी होगा कैसे करना है पर आपका हाथ नहीं चलेगा तो आप स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे वहां पर आप एकदम से पैनिक मार जाओगे कि भाई ब्लैंक हो जाओगे कि मैं क्या करूं तो राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि हमारा हाथ ना रुके एग्जाम में कंसेप्ट इसलिए जरूरी है ऑब्वियसली कंसेप्ट नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले पॉइंट नंबर वन Concept चलता रहेगा इसी में इसी के अंदर बीक्यू पी वाई क्यू क्लास के अंदर चलते रहेंगे साथ के साथ लिखेंगे आप अभी समझने वाला पॉइंट है तो मैं आपको बताता रह, रहूंगा कि अब लिख लो अब मत लिखो तो अभी आप रुक जाइए और बात को समझिएगा देखिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम बेचते हैं उससे रिवेन्यू आता है उसे हम बोलते हैं सेल्स सेल करने के लिए हमें उस प्रोडक्ट या सर्विस को क्रिएट करना पड़ता है जिसके अंदर हमारी आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिर हमारे पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी e ईबीआईटी e का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी को कई लोग पीबीआईटी भी बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो पीबीआईटी हो जाता है ठीक है क्या सर एग्जाम में हम भी ईबीआईटी e लिख सकते हैं सिर्फ यहां पर मैं इसी तरीके से आपको लिखवाऊंगा जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं तो ईबीआईटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है स्टडी मैट में लिखा हुआ है आप भी लिख सकते हैं अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हम आ गए यहां से यहां तक का जो काम है ये कॉस्ट अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग है वहां पर हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन कितनी है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये सब उनका काम है यानी एफएम के अंदर हमारा ये कोई पार्ट नहीं है एफएम में हमें सीधे ईबीआईटी मिला करेगा तो एफएम के अंदर हमारी शुरुआत ही जो होगी वो ईबीआईटी से हुआ करेगी इसके बाद में इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें जाना है अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट पर शेयर पर यह वाला काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है आप लोग नोट कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसे नोट कर लीजिएगा तो सेल्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक हमारा कोई रोल नहीं है हमारा रोल शुरू होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और ईपीएस एमपीएस पर जाकर खत्म होगा ठीक है इसे नोट कर लीजिएगा डन है ठीक है अब जरा देखिए साथ के साथ लिखना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ई बी आई टी बेसिकली मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था कि एक हमारी ये लिखना नहीं है आपको जो नीचे बना रहा हूँ मैं एक हमारी है जो फंड है ये बिजनेस है एक हमारी एप्लीकेशन ऑफ फंड है एप्लीकेशन ऑफ फंड में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल में और फिर यहाँ से हम प्रोडक्ट बनाकर सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ई पर आ जाते हैं ठीक है सोर्सेज जो फंड में जो पैसा आता है वो इक्विटी से प्रीफ्रेंस से और डेट से आता है हमारे पास अब हमें बेसिकली करना क्या होता है कि इनसे जो पैसा आया है मान लो वन हंड्रेड करोड़ आया है तो यही पैसा एप्लीकेशन ऑफ फंड में इन्वेस्ट हुआ होगा हंड्रेड करोड़ अब मान लीजिए यहां पर ई आ रहा है आपका ट्वेंटी टू करोड़ इसका मतलब हंड्रेड करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर हम कहते हैं इसको कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड यानी बिजनेस में हमारी कितनी कैपिटल इंगेज है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसको बोला जाता है तो हंड्रेड हमारा बिजनेस में लगा हुआ है लॉन्ग टर्म का पैसा देखना है शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म कवर नहीं होता टर्म तो आया दो महीने में खत्म करोड़ लगाकर इट मींस ट्वेंटी टू परसेंट हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इसको कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड है

और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा तो हमारी शुरुआत इस बी से होगी और फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम करना शुरू करते हैं तो ईबीआईटी टर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या होगा इसका एक हिस्सा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट पर चला जाएगा तो एक हिस्सा हम जो भी हमारे डेट है सबसे पहले हम उन्हें इंटरेस्ट पे कर देंगे इसके बाद हमारे पास बचता है अर्निंग बिफोर टैक्स देखिएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसमें से इंटरेस्ट चला गया अब बचा बचा अर्निंग बिफोर टैक्स इसके बाद का जो पैसा बचा, वो बचांगेल्डर और शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में बटना है देखो डिवेंचर को तो जो डेट है उसे तो हमने इंटरेस्ट दे दिया तीन ही लोग हैं डेट प्रीफरेंस और इक्विटी डेट को इंटरेस्ट चला गया अब जो पैसा जाना है वो शेयर होल्डर्स को जाना है तो गवर्नमेंट कहती है कि अब शेयर होल्डर्स के बीच में पैसा जाना है शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के मालिक प्रीफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर दोनों कंपनी के ओनर होते हैं बस इक्विटी के पास वोटिंग राइट right होता है और प्रीफरेंस के पास वोटिंग राइट right नहीं होता इक्विटी की फिक्स इनकम नहीं होती जबकि प्रीफ्रेंस का फिक्स प्रीफरेंस डिविडेंड का रेट रहेगा तो गवर्नमेंट कहती है कि अब तो पैसा ओनर्स में बटना है तो ओनर्स में पैसा बटने से पहले आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स तो यह आता है अर्निंग बिफोर टैक्स अब इसका एक हिस्सा ले जाता है इनकम टैक्स वो जो भी रेट चलेगा बीस तीस चालीस पचास परसेंट इनकम टैक्स चला गया फिर हम इसे कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स अब ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये बचा प्रीफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो इसमें से पहले हिस्सा कौन लेके जाएगा प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर उन्हें हम प्रीफ्रेंस दे देते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड अब जो पैसा बचा वो पैसा कहलाता है अर्निंग फॉर इक्विटीटी के लिए पैसा बच गया तो लेकर समझ रहे हैं आप कैसे चल रही है? सबसे पहले ईबीआईटी आएगा उसमें से इंटरेस्ट आएगा फिर ईबीटी आ जाएगा ईबीटी में से गवर्नमेंट टैक्स ले जाएगी फिर ईएटी आ जाएगा ई ए टी में से प्रिफरेंस शेयर होल्डर अपना हिस्सा ले जाएंगे फिर अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है निंग पर शेयर के एक शेयर होल्डर ने कितने रुपए कमाए ये हमारा ईपीएस का सेटअप चलता है ऐसी नोट कर लीजिएगा इसको ठीक है ईपीएस पर हम लोग ऐसे पहुंच जाएंगे इसे किस इसका हमें स्टेटमेंट बनाना होगा बहुत ही बहुत ही लड्डू चैप्टर है ये मैं आपको बता दूं तो बिल्कुल लड्डू चैप्टर है एफएम बहुत ही ज्यादा आसान है पचास नंबर एफएम में लाना बिल्कुल आसान काम है बिल्कुल आसान काम और एफएम के साथ में एसएम सबसे आसान थ्योरी पेपर है अगर एफएम एसएम का कॉम्बिनेशन देखें तो इसमें एटी नाइनटी मार्क्स इजीली लाए जा सकते हैं बहुत सिंपल है ओके okay. हमारे पास पॉइंट नंबर थ्री स्टेटमेंट ऑफ ई एंड एम एमपीएस का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ये जो अर्निंग पर शेयर है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है ये सब इक्विटी शेयर के लिए निकाला जाता है प्रीफ्रेंस के लिए नहीं निकाला जाता रीजन प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर को पहले से ही पता होता है कि उन्हें कितनी कमाई मिलनी है जैसे मान लो फिफ्टीन परसेंट प्रीफ्रेंस शेयर है प्रीफ्रेंस शेयर कैपिटल अब मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू सौ है तो प्रीफ्रेंस शेयर होल्डर को पहले से ही पता है कि उसे 15 परसेंट यानी पंद्रह रुपए का डिविडेंड मिलेगा तो उनके लिए कोई ईपीएस वगैरह नहीं निकलता।, ये निकलता है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर के लिए और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही हम निकालते हैं क्योंकि मार्केट में जो ट्रेड होता है वो इक्विटी ही देखा जाता है कि इक्विटी का मार्केट प्राइस कितना जा रहा है और कंपनी का मेन फोकस भी यही होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का ईपीएस और एमपीएस हाइएस्ट हो यही दो ऑब्जेक्टिव है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एमपीएस ज्यादा करना वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ईपीएस ज्यादा करना जो हर साल की कैलकुलेशन होती है तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस पर आए पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हमारे पास आ गया बल्कि मैं सेल्स स्टार्ट करके दिखाता हूं आपको सबसे पहले हमारे पास आ गई सेल्स ओके इसमें से माइनस की जाती है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आ गया लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं होता ठीक जी ये माइनस हो गया अब हमारे पास आ जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम इसे क्या लिखा करेंगे हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा करेंगे ईबीआईटी स्टडी मैट में भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ओके इसके बाद में हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट दो भाई ऑन लॉन्ग टर्म डेट तो जो भी हमारे लॉन्ग टर्म डेट हैं उन्हें हम इंटरेस्ट पे कर देंगे कर दिया जी बताइए इंटरेस्ट देने के बाद आपके पास आ जाएगा अर्निंग विफोर टैक्स टैक्स से पहले कितना पैसा आपने कमाया है ईबीटी, इसमें से अब गवर्नमेंट आके कहती है हमें टैक्स दे दो लेस टैक्स टैक्स लिखा जाएगा शब्द पूरा होना चाहिए इनकम टैक्स पर एफएम में बस टैक्स लिखा जाता है तो टैक्स एट दी रेट ऑफ कुछ भी परसेंटेज उसकी हो सकती है दस परसेंट बीस परसेंट तीस परसेंट चालीस परसेंट जो भी होगा वो टैक्स देना पड़ेगा आपको इसके बाद में हमारे पास आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स ई ए टी ओके इस ई ए टी में से शेयर होल्डर्स के बीच में पैसा बटेगा पहले मैं यहां से दिखाता हूं सेल से हम ईबीआईटी तक आ गए ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी में से इंटरेस्ट चला गया हमारे पास ईबीटी आ गया फिर टैक्स चला गया ईएटी आ गया अब ये ईएटी प्रीफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स में बटेगा लेस प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस डिविडेंड यहां पर आपका गया और आपके पास आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी ठीक है जी अब ये जरा एक चीज देखेगा ये बीच में टैक्स आ रहा है ठीक है तो जो इंटरेस्ट की पेमेंट है इंटरेस्ट की पेमेंट वो बिफोर टैक्स आइटम बोला जाता है इसको अब बोलते हैं अब लाइन आइटम या बिफोर टैक्स आइटम और जो प्रिफ्रेंस शेयर्स को पेमेंट जाती है और इक्विटी को जो जाती है वो आफ्टर टैक्स पेमेंट होती है और इसको बिलो लाइन पेमेंट बोलते हैं बिलो लाइन पेमेंट तो जो प्रिफ्रेंस शेयर होल्डर और आपके इक्विटी शेयर होल्डर हैं ये बिलो लाइन पेमेंट वाले पर्सन है और जो इंटरेस्ट है डेट है वो बिफोर टैक्स अब लाइन वाला आइटम रहेगा सर बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स से क्या फर्क पड़ेगा ये सब बातें अभी धीरे धीरे बाद में करेंगे बस जो जो चीजें बता रहा हूं उन्हें ध्यान रखना है ठीक है ये हमारे पास आ गया जी अर्निंग फॉर इक्विटी इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से वैसे जो सही लाइन होती है सही लाइन होती है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का मतलब जिन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है ऑथोराइज कैपिटल अलग है पेड अप कैपिटल अलग है एफ में ऐसा कोई पंगा नहीं है एफ में सिंपल जो दिया जाएगा इतने इक्विटी शेयर है इनकी सारी पेमेंट आ चुकी है वो फुल्ली पेड होते हैं हमेशा तो एफ आपको इन सब चीजों में नहीं उलझाएगा ठीक है जी डिवाइड कर दिया यहां पर आपके पास आएगा अर्निंग पर शेयर ई पी एस ठीक है जी अर्निंग पर शेयर आगे आपके पास तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेटमेंट यहीं पर खत्म हो जाएगा EPS आ जाएगा कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको दिया जाएगा PE रेशो प्राइस अर्निंग रेशो इसे पीई रेशो -E बोलते हैं PE रेशो अगर ये दिया हुआ है तो आप पीई रेशो -E को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आ जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर उलझना नहीं है बस सिंपल स्टेटमेंट अभी याद रखना है सारी चीजें आएंगी आगे एक एक पॉइंट क्लियर होगा नोट प्राइस अर्निंग रेशो हमारे पास एक चैप्टर आएगा रेशो बीच बीच में कई सारे रेशो मिलते रहेंगे आपको उनमें उलझना नहीं है रेशो चैप्टर के अंदर हम पूरे का पूरा ध्यान देके पचास साठ क्वेश्चन है वहां पर उन्हें अच्छे से करेंगे वहां सारे रेशो क्लियर हो जाएंगे बीच बीच में जो रेशो आते रहेंगे देखो हमें रेशो चैप्टर में भी पूरा रेशो पढ़ना है तो बीच बीच में कहीं कहीं पर थोड़ा बोला आपका रेशो का टच आएगा तो उसे वहीं पर समझ के आगे बढ़ जाएंगे रेशो चैप्टर में ये पूरे एक्सप्लेन होने ही होने हैं तो प्राइस अर्निंग रेशो का जो फॉर्मूला है वो इसके नाम से बना हुआ है प्राइस अर्निंग तो प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई अर्निंग का मतलब है अर्निंग पर शेयर तो प्राइस से एमपीएस रिप्रेजेंट होता है अर्निंग से ईपीएस रिप्रेजेंट होता है तो बेसिकली हमारे पास पी रेशो का फॉर्मूला होता है एमपीएस डिवाइड बाई ईपीएस अब बताइए अगर मेरे पास ईपीएस है और पी रेशो है तो क्या मैं एमपीएस निकाल सकता हूं यस और एम पी एस इक्व टू पीई रेशो मल्टीप्लाई बाई अर्निंग पर शेयर तो जो सच्चाई है सच्चाई ये है कि मार्केट प्राइस ऑफ शेयर और ईपीएस के थ्रू पी रेशो निकाला जाता है लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपके पास ईपीएस होगा ईपीएस तक आप पहुंच जाओगे तो क्वेश्चन क्या करेगा आपको पी रेशो -E दे देगा किस लिए कि हमने आपको पी रेशो -E दे दिया अब आप इससे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर निकालो तो हम बताइए क्या करेंगे एमपीएस पे पहुंचने के लिए ईपीएस में पी रेशो की मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास एमपीएस आ जाएगा अभी यहां तक का देखते हैं बड़े आराम से धीरे धीरे चलना है कोई दिक्कत नहीं है एक एक चीज धीरे 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 कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे हम लोग तो। अब जरा बताइए स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस एमपीएस कैसे बनेगा वैसे जनरली ईपीएस तक बनवाएंगे लगा लेकिन अगर एमपीएस तक भी जाना है तो वहां तक भी पहुंचेंगे हम दूसरा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो वैसे ईबीआईटी से होगा पर मैंने सेल से उठाकर नीचे तक लेकर आया हूं तो सेल माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट ईबीआईटी e आ जाएगा फिर इंटरेस्ट देंगे ईबीटी e आ जाएगा टैक्स देंगे ईएटी e आ जाएगा फिर प्रिफरेंस डिविडेंड देंगे अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा उसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से ईपीएस आ जाएगा अगर पी -E रेशो दिया हुआ हो तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप एमपीएस पर पहुंच जाएंगे ठीक है अब एक क्वेश्चन यह आता है कि ईपीएस बेटर है या एमपीएस बेटर है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको हम बोलते हैं एम पी एस इंट्रोडक्शन में भी देखी थी यहां भी काम की है. जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो कंपनी का इक्विटी शेयर है उसका मार्केट प्राइस हाई होना चाहिए तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एक हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर अब कई बार क्या होगा अगर क्वेश्चन आपसे साइलेंट रहे तो दो तीन ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के अंदर आपको दो तीन ऑल्टरनेटिव मिलेंगे उन दो तीन में आपको क्या देखना होगा तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो एमपीएस है तो कायदे में तो एमपीएस देखना चाहिए लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस है और ईपीएस के बेसिस पे सिलेक्शन करेंगे तो अगर एमपीएस और ईपीएस के बीच में लड़ाई हो जाए दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए कॉन्फ्लिक्ट कैसा आएगा देखिए एग्जाम्पल वन आपके पास एक ऑल्टरनेटिव वन है और एक ऑल्टरनेटिव टू है ठीक है अब हमने देखा इनका ईपीएस कितना है और एमपीएस कितना है अब देखिए का ईपीएस है दस रुपए ऑल्टरनेटिव टू का है आठ रुपए इसका एमपीएस है वन ट्वेंटी फाइव और दूसरे का एमपीएस है वन हंड्रेड टेन अब जरा बताइए अगर मैं ईपीएस के बेसिस पर देखूं तो दोनों ऑल्टरनेटिव में से कौन सा ऑल्टरनेटिव बेटर है टेन रुपीज ज्यादा है वो सेलेक्ट करेंगे एमपीएस के बेसिस पे देखूं तो एक सौ पच्चीस रुपए ज्यादा है तो एमपीएस और ईपीएस दोनों ने क्या कहा ऑल्टरनेटिव वन ले लो तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कई बार इनके बीच में आ जाएगा कॉन्फ्लिक्ट ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव टू ईपीएस एमपीएस दस रुपए आठ रुपए एक सौ दस रुपए एक सौ पच्चीस रुपए ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो ईपीएस के हिसाब से तो ऑल्टरनेटिव वन बेटर है लेकिन एमपीएस के हिसाब से ऑल्टरनेटिव टू बेटर है तो अगर ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं बोल रहा तो आपको हमेशा किसके साथ जाना चाहिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ फ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन देन गो विथ एमपीएस तो अगर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बोल रहा तो हम एमपीएस के साथ जाएंगे तो सर क्या ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हमें मिलता रहेगा कभी ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है तो आपको ध्यान रखना है कि डिसीजन मेकिंग एमपीएस के बेसिस पर करें यानी हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वैसे जनरली दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं है पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो हम एमपीएस के साथ ही जाएंगे ठीक है इसे नोट कर लीजिएगा ठीक है <coughs> अब इस चैप्टर का आपको थोड़ा सा बेस क्लियर होना शुरू होगा एग्जाम्पल केस ऑफ न्यू बिजनेस और कंपनी ओके अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताना शुरू करूंगा आखिर हम इस चैप्टर में करेंगे क्या देखिए एप्लीकेशन ऑफ़ फंड ठीक है अब क्या होगा आपके पास एप्लीकेशन ऑफ फंड का आइडिया आप लगा चुके हैं तो जैसे आपने आइडिया लगा लिया कि मेरे को बिजनेस में ट्वेंटी लैक्स की जरूरत है इससे मेरी फिक्स्ड एसेट्स और मेरी वर्किंग कैपिटल सारा काम हो जाएगा ठीक है जी कॉस्ट अकाउंटेंट आपको यह बता देगा कि आप इस पर ईबीआईटी कितना कमा पाओगे तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने जैसे कह दिया कि भाई पच्चीस परसेंट कितना हो गया ट्वेंटी लाख का पांच लाख रुपए ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन बताएगा तो पैसा कितना लगाना है ये क्वेश्चन बताएगा ठीक है जी ये क्लियर हो गया बीस लाख रुपए लगाने हैं बिजनेस में ओके स्ट अकाउंटेंट यह बता देगा कि ये बीस लाख रुपए लगाने से हमारी कितनी सेल होगी हमारी कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट जाएगी और हमारा ईबीआईटी कितना आएगा तो आपको ईबीआईटी भी दे दिया जाएगा कई बार क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास पच्चीस आएगी तो बड़ा सिंपल है कितना पैसा लगाया बीस लाख रुपए ट्वेंटी रिटर्न आ जाएगी यानी ई बी आई लाख का ट्वेंटी 5 लाख रुपये जाएगा ये दोनों चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी तो सर हमें क्या करना है सब कुछ तो दिया हुआ है अब क्वेश्चन क्या करेगा क्वेश्चन आपको सोर्स से जो फंड से पैसा मंगवाने के अलग अलग ऑल्टरनेटिव देगा तो ज्यादा से ज्यादा तीन ऑल्टरनेटिव मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन में तो जैसे ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव टू एक ऑल्टरनेटिव और दे दिया थ्री तीन ऑल्टरनेटिव दे दिए तो बताएंगे कि आप इस बीस लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं तो जैसे एक में कह दिया कि बीस लाख रुपए इक्विटी से मंगवाओ दूसरे में कह दिया दस लाख इक्विटी से मंगवाओ और दस लाख रुपए डेट से मंगवा लो तीसरे में कह दिया कि पंद्रह लाख रुपए इक्विटी से मंगवाओ और पांच लाख रुपए प्रीफरेंस से मंगवा लो या इक्विटी प्रीफ्रेंस डेट कॉम्बिनेशन दे दिया ऐसे अलग अलग ऑप्शन देगा इन अलग अलग ऑप्शन को हम बोलते हैं कि ये अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है इसीलिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर का हिस्सा है तो 20 लाख रुपए इक्विटी से मंगवाएंगे यानी ऑल इक्विटी फर्म होगी एक ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन ये है कि टेन लैक इक्विटी से टेन लैक ,00 डेट से तो यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर टू है यहाँ कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो गया कि भाई वन इंस टू वन के रेशियो में डेट इक्विटी रहेगा तीसरा हो गया फिफ्टीन लैक और फाइव लैख तो हमारे पास फिफ्टीन इंटू फाइव यानी थ्री इंस टू वन के रेशो में इक्विटी और प्रीफ्रेंस से पैसा मंगवा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्री हो गया ,00 ,00 तो आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है जो आप चूज करेंगे तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है यानी कितना इन्वेस्टमेंट करना है क्वेश्चन बताएगा रिटर्न कितनी आएगी क्वेश्चन बताएगा पैसा किस सोर्स से मंगवाया जाए वो अलग-अलग कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताएगा यानी ये तीनों ऑप्शन भी क्वेश्चन ही देगा आपको आराम से समझिएगा चलेगा क्या एप्लीकेशन ऑफ फंड में कितना पैसा लगाना है क्वेश्चन देगा आपको कुछ नहीं करना रिटर्न कितनी आएगी आपका ईबीआईटी कितना होगा क्वेश्चन देगा आपको कुछ नहीं करना तीन या दो कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दे देगा खुद बनाकर देगा आपको अपने आप से कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं बनाने ऐसे तो लाखों कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएंगे कोई कहेगा कि मैं एक लाख रुपए इक्विटी से मंगवा रहा हूँ पांच लाख रुपए प्रीफरेंस से और बचे हुए कितने लाख डेट से मंगवा रहा हूँ कोई कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर कोई कुछ तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपको क्वेश्चन ही देगा यानी सर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फंड भी है हमारे पास रिटर्न भी है हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर्स भी है बस आपको ये बताना है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेटर है वो कैसे बताएंगे हम तीनों के अंडर में ईपीएस निकाल कर देखेंगे एमपीएस तक पहुंच सकते हैं तो एमपीएस तक पहुंच जाएंगे जिसका ईपीएस और एमपीएस सबसे ज्यादा होगा वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जाएगा चैप्टर चैप्टर खत्म इतना सही है बिल्कुल लड्डू चैप्टर और एग्जाम में खूब पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल है और आपके आगे वाले चैप्टर का यह बेस बनेगा बहुत ज्यादा आसान है बहुत ही सिंपल अब जरा देखिए मैं ले लेता हूं कि भाई मेरे को जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं फंड्स रिक्वायर्ड फंड्स रिक्वायर्ड हैं ट्वेंटी लाख. ठीक है जी साथ में लिख सकते हैं आप लोग आर ओ आई और आर ओ सी ट्वेंटी तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ई बी आई टी है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ट्वेंटी लाख, यानी फाइव लाख रुपीज होगा ठीक है जी ई बी आई टी भी आ गया कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये भी आ गया ओके टैक्स रेट हमारे पास जो चल रहा है वो चल रहा है फोर्टी परसेंट तो इनकम टैक्स फोर्टी परसेंट आपसे लेके जाएगा अब क्वेश्चन आपको ऑल्टरनेटिव दे देगा तो हम दो ऑल्टरनेटिव लेके शुरू करते हैं तो एवेलेबल ऑल्टरनेटिव एवेलेबल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्शन ऑप्शन वन ऑप्शन टू एक ऑप्शन में इक्विटी और डेट ले लेता हूं एक ऑप्शन में इक्विटी डेट और प्रीफ्रेंस, तीनों ले, ले लेता हूं बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू रुपीज टेन डेट का रेट ले लेता हूं मैं ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट डेट प्रीफ्रेंस का रेट ले लेता हूं मैं फोर्टीन परसेंट ओके ये मेरे पास आ गए इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले वाले ऑप्शन में ले लेता हूं टेन लेख और डेट भी टेन लेख प्रीफ्रेंस से कोई पैसा नहीं मंगवाया टोटल फंडिंग ट्वेंटी लैख की चाहिए एक ऑप्शन तो ये है दूसरा ऑप्शन में ले लेता हूं कि इक्विटी से एट लैख ,00 और एट लैख ही ले लेता हूं मैं डेट से और फोर लैख ,00 रुपीज मंगवा लेता हूं मैं प्रीफ्रेंस शेयर से टोटल फंडिंग मेरे पास ट्वेंटी लैख ,00 की आ गई ओके। कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर आपको ईपीएस निकालना है ओके okay. इसको नोट कर लीजिए क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे पहले आराम से एग्जाम्पल चलेंगे पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन करते हो आपको मजा आएगा छुट्टियों में क्वेश्चन निकलेंगे आपके डन सॉल्यूशन स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर क्या सर सिर्फ ईपीएस लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं स्टडी मैट में भी यही लिखा होता है ओके okay. अब ये दो ऑप्शन ले लेंगे पर्टिकुलर्स ऑप्शन वन ऑप्शन टू ओके ईबीआईटी कितना है हमारे पास फाइव लैख लेस इंटरेस्ट तो हमने पहले ऑप्शन में दस लाख रुपए का डेट लिया है सेकंड ऑप्शन में एट लाख का लिया है ट्वेल्व परसेंट रेट है एट दी रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट ऑफ टेन लाख और एट लाख तो पहले वाले ऑप्शन में आ गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का इंटरेस्ट दूसरे वाले में हो गया नाइन्टी सिक्स थाउजेंड का इंटरेस्ट माइनस कर दिया अर्निंग बिफोर टैक्स पे आ जाएंगे थ्री एटी फोर 4000, फोर okay. थाउजेंड ओके अब इसमें से बताइए दूसरी चीज क्या जाएगी टैक्स फोर्टी परसेंट रेट लिया है हमने गवर्नमेंट कहेगी जो भी कमाया है उसका फोर्टी परसेंट इधर लाओ ठीक है जी दे देते हैं बड़ा चुपता है सबको इनकम टैक्स 40 परसेंट रेट है, 380 40 परसेंट, 152 का टैक्स चला गया, हमें भी बड़ा चुकता है इनकम टैक्स, गवर्नमेंट सारा पैसा ले जाती है हमसे, पहले जीएसटी में ले जाती है, उसके बाद इनकम टैक्स में ले जाती है, पर क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आपको कोई भाई पाकिस्तान वाकिस्तान हमला ना कर दे उससे भी बचा रही है तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा आर्मी कैसे चलेगी नेवी कैसे चलेगी ठीक है जी तो हमारे पास आ गया ई ए टी टू लैख ट्वेंटी एट थाउजेंड टू लैख फोर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया अब आ जाएंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर इनके लिए, लिए दिया जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड ओके प्रीफरेंस डिविडेंड पर आते हैं फोर्टीन परसेंट प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है चार लाख रुपए मंगवाए हैं फोर्टीन परसेंट ऑफ फोर लैक एग्जाम में सर क्या ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप फोर एल ये जैसे मैं यहां कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में कर सकते हैं पूरे नंबर मिलेंगे कोई एक परसेंट की दिक्कत नहीं है यहां तो प्रीफरेंस शेयर है ही नहीं ऑप्शन नंबर वन में दूसरे वाले ऑप्शन में फोर लैख के आपके प्रीफरेंस शेयर हैं फोर्टीन परसेंट इंटरेस्ट है वो डिविडेंड का रेट फिफ्टी सिक्स थाउजेंड डिविडेंट चला गया ये आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी ठीक है जी टू लेख ट्वेंटी एट थाउजेंड एंड वन लैख एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इन्हें हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से और हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा ठीक है नंबर ऑफ इक्विटी कहां से मिलेंगे आपको ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल लिखी हुई है फेस वैल्यू है दस रुपए तो टेन लैख ,00 की शेयर कैपिटल है फेस वैल्यू ,00 यानी वन लैख शेयर रहे होंगे वन लैख शेयर दस रुपए की फेस वैल्यू कैपिटल दस लाख की नजर आ रही है यहां एटी थाउजेंड शेयर तो वन लैख शेयर और एटी थाउजेंड शेयर हमारे पास है यहां वन लैख शेयर यहां एटी थाउजेंड शेयर आ गया रुपीज टू पॉइंट टू एट ये आ गया रुपीज टू पॉइंट थ्री थ्री ये हमारे पास दो केस बनकर आ गए क्लियर है सबसे पहले हमने ले लिया EBIT 5 लाख फाइव लैख था ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट चला गया दस लाख रुपए और आठ लाख रुपए का आपका सिनेरियो है और इसके बाद में हमारे पास में EBT आ गया, दे दिया हम लोगों फिफ्टी सिक्स थाउजेंड माइनस करा और हमारे पास वन एटी सिक्स फोर हंड्रेड और टू ट्वेंटी एट अर्निंग फॉर इक्विटी आ गई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया एक जगह पे दस लाख की कैपिटल है दूसरी जगह पे आठ लाख की कैपिटल है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया हमारे पास आ गया ईपीएस टू पॉइंट टू एट और टू पॉइंट थ्री थ्री तो बताइए ईपीएस किसका ज्यादा है प्लान नंबर टू का ऑप्शन नंबर टू का ईपीएस ज्यादा है तो हमें उसे सेलेक्ट करना चाहिए सेलेक्ट ऑप्शन टू हैविंग हायर अर्निंग पर शेयर इस तरह से क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे बहुत ही आसान है बहुत ज्यादा सिंपल तो आपके पास में कितनी फंडिंग करनी है वो दिया जाएगा उस पर रिटर्न कितनी आ रही है ईबीआईटी कितना आ रहा है वो आपको मिल जाएगा आपको अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर के ऑप्शन दे दिए जाएंगे उन कैपिटल स्ट्रक्चर में से आपको सिलेक्शन करना है कौन सा बेहतर है सिंपली ईपीएस निकालना है दोनों के बीच में और आपके पास आंसर आ जाएगा बस इतना ही है चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है एक हमारे पास कंसेप्ट आता है पॉइंट नंबर सिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकाले तो एक तो बड़ा सिंपल होता है कि फेस वैल्यू पर इशू किया है दस रुपए का शेयर है दस लाख की कैपिटल चाहिए तो भैया आपके एक लाख शेयर हो गए पर इसका तरीका रहता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इक्व टू रिक्वायर्ड फंड इक्विटी डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स पर शेयर नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है जरूरी नहीं है शेयर फेस वैल्यू पर इशू हो शेयर प्रीमियम पर भी इशू हो सकते हैं तो जैसे दस रुपए वाला शेयर हो सकता है कि आप पंद्रह रुपए में इशू करो तो नेट प्रोसीड में रहता है इशू प्राइस कितना है शेयर का वो जरूरी नहीं है फेस वैल्यू माइनस इशू एक्सपेंसिज इफ एनी वैसे जनरली इशू एक्सपेंस कुछ देता नहीं है पर अगर हो तो इस तरह से किया जाएगा अब मान लीजिए रिक्वायर्ड फंड्स जो आपको इक्विटी से चाहिए थ्रू इक्विटी रिक्वायर्ड फंड मुझे चाहिए मैं मान लेता हूं ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड इक्विटी से मेरे को मंगवाना है ओके ट्वेल्व लेख फिफ्टी थाउजेंड मुझे इक्विटी से अरेंज करना है इशू प्राइस जो है मेरे शेयर का फेस वैल्यू मान लो दस रुपए और मैं इसको इशू कर रहा हूँ फिफ्टी परसेंट प्रीमियम पर तो मेरा इशू प्राइस है रुपीज फिफ्टीन फेस वैल्यू दस रुपए प्लस पांच रुपये प्रीमियम ले रहा हूँ मैं ठीक है अब बताइए एक ही शेयर आपको दस रुपए देगा या पंद्रह रुपये दिलवा देगा अब एक ही शेयर मेरे को पंद्रह रुपए दिलवा देगा अब मैं मान लेता हूं कुछ इशू एक्सपेंसिज भी हैं ये पर शेयर अब कुछ इशू एक्सपेंसिव भी हैं मान लीजिए टू पॉइंट फाइव रुपीज मेरा इशू एक्सपेंस लग गया हर शेयर पर अंडर राइटिंग कमीशन ये वो वैसे जनरली इशू एक्सपेंस देगा नहीं पर अगर आता है तो अब बताइए नेट प्रोसीड पर शेयर आपकी कितनी आ रही है नेट प्रोसीड्स पर शेयर आपके पास हो गई फिफ्टीन रुपीज का इशू टू पॉइंट फाइव इशू एक्सपेंस लग गए 12.5 पर शेयर आपकी नेट प्रोसीड्स आ गई तो एक शेयर आप पंद्रह रुपए में इशू कर रहे हो दस वाला है पांच रुपए का प्रीमियम लेकर पंद्रह रुपए में आप इशू कर रहे हो टू पॉइंट लग गए तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव रुपीज पर शेयर आपके पास नेट प्रोसीड आ गई यानी एक शेयर से साढ़े बारह रुपए आपके पास आ जाएंगे अब हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए जाए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड क्वस टू रिक्वायर्ड फंड कितने हैं डिवाइडेड बाई शेयर कितनी है तो हमारे रिक्वायर्ड फंड कितने हैं ट्वेल्व लैक फिफ्टी थाउजेंड हमें इक्विटी शेयर से मंगवाना है एक शेयर से साढ़े बारह रुपए आपको मिल रहे हैं तो ट्वेल्व फिफ्टी डिवाइड बाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव आपको वन लेख शेयर इशू करने होंगे एक लाख शेयर अगर आप इशू करोगे तो आपके पास ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड आ जाएंगे सर एक लाख शेयर पे ट्वेल्व लैख फिफ्टी थाउजेंड कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं कैसे आएंगे आप जब एक लाख शेयर इशू करोगे अंडरस्टैंडिंग तो एक लाख शेयर इशू जब आप करोगे तो पहले रेड पेन से लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट पंद्रह रुपए में इशू कर रहे हो आप पंद्रह लाख रुपए आपके पास आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट फिफ्टीन लाख आ गए एक लाख शेयर पंद्रह रुपए पे टू शेयर कैपिटल कितना होगा दस लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा पांच लाख ओके अब इशू एक्सपेंस होंगे तो इशू एक्सपेंस डेबिट टू बैंक बैंक से आप इशू एक्सपेंस खर्च कर दोगे कितने रुपए टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ढाई रूपए पर शेयर का इशू एक्सपेंस है अब देखिए बैंक में पंद्रह लाख आए ढाई लाख रुपए बैंक से चले गए तो आपके पास में नेट कितना बचा साढ़े बारह लाख रूपए लैख चले गए तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने का सिंपल सा तरीका है कि इक्विटी शेयर से कितने फंड चाहिए डिवाइडेड बाई एक शेयर पर कट कटाकर कितने पैसे आपको मिल रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग में वन लैख शेयर्स आपके पास शेयर कैपिटल के नाम के कितने पैसे आएंगे वन लैख मल्टीप्लाई बाई टेन रुपीज दस लाख रुपए आपके इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम के आएंगे शेयर प्रीमियम प्रीमियम के नाम पर आपके पास एक लाख शेयर पर पांच रुपए से फाइव लाख आ जाएंगे इशू एक्सपेंसिज के नाम पर आपके हर शेयर पर ढाई रुपए खर्च होंगे तो टू लैख फिफ्टी थाउजेंड आपके चले जाएंगे तो ये दोनों प्लस होंगे इशू एक्सपेंस माइनस हो जाएगा तो आप बताइए टोटल पंद्रह लाख आए ढाई लाख रुपए चले गए अगर हम देखें तो नेट आपके पास कितना बचा है ये दोनों प्लस ये माइनस ट्वेल्व लैक फिफ्टी थाउजेंड आपके पास नेट अमाउंट आ जाएगी ओके इसे नोट कर लीजिएगा ऐसे ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्यों निकाल रहे हैं हम लोग ईपीएस निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ता है तो जो हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं वो नंबर ऑफ शेयर कई बार कॉम्प्लीकेट करेगा क्वेश्चन तो ये जो मैंने बताया इससे ऊपर लेवल नहीं है इस लेवल का भी कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़े कि नेट प्रोसीड कैसे आएगी ओके okay. इसमें एक नोट लिखना है हमें नोट इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ इश्यू प्राइस ऑफ शेयर आपको कुछ नहीं बताया कि शेयर का इश्यू प्राइस कितना है कुछ नहीं बताया एंड सिचुएशन वन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इट नॉट गिवन मार्केट में आपका शेयर कितने का बिक रहा है ये नहीं बताया तो हम लोग इशू प्राइस इक्व टू फेस वैल्यू लेंगे यानी पार पे इशू करेंगे तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये मानेंगे दस रुपए का शेयर दस रुपए में इशू होगा भाई और कितने पे इशू होगा लेकिन अगर क्वेश्चन ने आपको कहा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज गिवन अज़रा मेरी बात सुनिएगा मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन ने कहा दस रुपये फेस वैल्यू है जी तो हम क्या करेंगे ठीक है दस रुपए का एक शेयर इशू का बात खत्म हो गई बिल्कुल सिंपल हो गया अब मान लीजिए क्वेश्चन ने कहा कि फेस वैल्यू दस रुपए है और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हमारा पच्चीस रुपए है यानी मार्केट में पच्चीस रुपये में हमारा शेयर बिक रहा है अब मुझे एक बात बताओ अगर आपका शेयर दस रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर मार्केट में पच्चीस रुपये का बिक रहा है यानी पंद्रह उस पर शेयर प्रीमियम हो गया अब कंपनी इस शेयर को कितने में इशू करेगी दस रुपए में इशू करेगी या पंद्रह रुपए प्रीमियम के साथ बेचेगी क्योंकि बाजार में ऑलरेडी पच्चीस रुपए मिल रहे हैं तो व्यस्सी बात अगर क्वेश्चन साइलेंट है कुछ नहीं बता रहा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर नहीं दिया हुआ तो हम ये मानेंगे कि इशू कितने पर होगा फेस वैल्यू पर होगा लेकिन अगर क्वेश्चन ने कहा कि मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो हम इशू प्राइस लेंगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर जितने बाजार में बिक रहा है उतने में इशू करेंगे अच्छा एक और सिचुएशन बताता हूं आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर मार्केट प्राइस सात रुपए हो तो क्या करेंगे ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है है बेटा एक बात बताओ आपके शेयर की फेस वैल्यू और आपके शेयर का जो मार्केट में रेट चल रहा है वो सात रुपए चल रहा है अगर कंपनी ने दस रुपए में इशू किया तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा कोई लेगा ही नहीं शेयर को भाई दस रुपए में क्यों खरीदेगा जब बाजार में सात में मिल रहा है तो कंपनी को डिस्काउंट पर ही इशू करना पड़ेगा तो अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है तो चाहे कम हो या ज्यादा हो वही लिया जाएगा इशू प्राइस के लिए वैसे क्वेश्चन वो हमेशा हायर ही मिला करेगा ओके okay. तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालने होंगे जितने भी फंड्स चाहिए डिवाइड बाय नेट प्रोसीड अच्छा इशू प्राइस के बारे में कुछ ना दिया हो तो फेस वैल्यू ले लीजिए और अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर गिवन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को ले लीजिए अभी इतना ही कंसेप्ट में कंसेप्ट बीच बीच में हम जहां भी रोकेंगे उसको ऐसे बंद कर दिया करिएगा जिससे आपको पता चल जाए यहां तक का था अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन और आपको पता चलेगा कि अरे हमें क्वेश्चन 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 करने आ भी गए ये स्टडी मैट के 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 आरटीपी एमटीपी कर रहे हैं हम जितने भी बीक्यू हैं फिर पीवाई क्यू आएंगे पीवाई क्यू सारे के सारे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल चैप्टर है बहुत आसान आ जाइए बीक्यू क्यू वन पढ़ेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा इसके साथ में हमारी न्यूमेरिकल की शुरुआत हो रही है उंट प्रोड्यूस की हम लोग लो सोचते हैं क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ ले उसमें हमारी कोई ना कोई चीज हो जाती है मिस वो मिस होने की वजह से हम पूरा जो सोल्यूशन बनाते हैं वो भी गलत हो जाता है अब एक बात बताओ जब सोल्यूशन ही गलत हो गया तो ऐसा तेज पढ़ने का क्या फायदा भाई हल्की ही पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना चाहिए जिससे कोई पॉइंट उसमें मिस ना हो तो मैं क्वेश्चन आपके साथ आराम से ही पढ़ा करूंगा पैरा माउंट प्रोड्यूस लिमिटेड रेज वन हंड्रेड लैख कंपनी को हंड्रेड लैख की जरूरत है तो यह हो गया जो पैसा हमें रेज करना है बता दिया क्वेश्चन ने इतना इन्वेस्टमेंट करना है इतना पैसा रेज करो फॉर अ डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट करंट एस्टिमेट ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ई बी आई टी फ्रॉम द न्यू प्रोजेक्ट ट्वेंटी टू लैख पर एन एम ई बी आई टी भी बता दिया कि ट्वेंटी टू लैख आएगा तो आप हंड्रेड लैख इन्वेस्ट करोगे तो ट्वेंटी टू लैख की कमाई आनी शुरू हो जाएगी ठीक है दोनों बातें बता दी एप्लीकेशन ऑफ फंड में हंड्रेड लैख चाहिए और दूसरा बता दिया ई बी आई टी आएगा ओके कॉस्ट ऑफ डेट विल बी फिफ्टीन परसेंट फॉर अमाउंट अप टू एंड इंक्लूडिंग फोर्टी लैख तो फोर्टी लैख तक का आप जो लोन लोगे वो पंद्रह परसेंट पर आपको मिल जाएगा परसेंट फॉर एडिशनल अमाउंट लेकिन अगर आप चालीस लाख रुपए से ऊपर जाओगे फोर्टी लैख तक तो फिफ्टीन परसेंट है लेकिन अगर आप फोर्टी लैख से ज्यादा पर जाओगे तो जो एडिशनल अमाउंट है मान लो मैं फोर्टी फाइव लैख का लोन लेता हूं तो जो चालीस लाख है उस तक तो पंद्रह परसेंट ही देना पड़ेगा जो एडिशनल पांच लाख है उस पर सिक्सटीन परसेंट मेरा चला जाएगा तो 16 परसेंट फॉर एडिशनल अमाउंट अप टू एंड इंक्लूडिंग 50 लाख लेकिन ये 50 लाख की लिमिट तक ही है यानी अगर मैंने 40 लाख का लोन लिया तो मुझे 15 परसेंट देना पड़ेगा अगर मैंने 45 लाख लैख का लिया तो 40 लाख तक तो 15 परसेंट बचे हुए 5 लाख पर 16 परसेंट अगर मैंने 50 लाख का लोन लिया तो 40 लाख पर 15 एडिशनल जो दस लाख है उस पर सोलह अगर मैंने सिक्सटी लैख का लोन लिया तो पहले फोर्टी लैख पर

40 लाख के बाद 16 परसेंट देना शुरू करिए लेकिन ये केस सिर्फ 50 लाख के लोन तक की लिमिट पर खत्म होगा जैसे ही 50 लाख टोटल एटी में हो गए आपके उसके बाद कह रहे हैं एंड 18 फॉर एडिशनल अमाउंट 50 लाख 50 लाख से ऊपर आपको 18 परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा यानी अगर आपने साठ लाख का लोन लिया तो पहले चालीस लाख पर पंद्रह अगले दस लाख पर सोलह परसेंट पूरे हो गए अब उसके बाद के जो भी पैसा है उस पर एटीन दो भैया तो एक बात बताइए इतना सिंपल चैप्टर है

थोड़ा बहुत खेल आपके साथ खेल सकता है यानी कि इंटरेस्ट और नंबर ऑफ शेयर यही दो पोर्शन है उसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं ओ तो ये वाली बात है है ठीक जी कह रहे हैं द इक्विटी शेयर फेस वैल्यू रुपीज टेन ऑफ द कंपनी हैज करंट मार्केट वैल्यू फोर्टी रुपीज शेयर हमारा बाजार में चालीस रुपए में बिक रहा है दस रुपये वाला तो तीस रुपए प्रीमियम पर बिक रहा है ठीक है जी दिस इज एक्सपेक्टेड टू फोर टू थर्टी टू ये बत्तीस रुपए का हो जाएगा इफ डेट एक्सीडिंग फिफ्टी लैक आर रेज अगर पचास लाख से ऊपर लोन लिया तो ठीक है जी द फॉलोइंग ऑप्शन आर अंडर कॉन्सिडरेशन ऑफ द कंपनी अब ऑप्शन खुद बताएगा आपको तीन ऑप्शन दे दिए जय देखिए टोटल कितना पैसा मंगवाना है 100 वन हंड्रेड लैक ऑप्शन नंबर वन इक्विटी से फिफ्टी परसेंट डेट से फिफ्टी परसेंट यानी पचास लाख हिस्से मंगवाओ पचास लाख हिस्से मंगवाओ, है। मैं यहाँ पे भी लिखता जाता हूं बताओ पहले वाले केस में जो डेट है, वो पचास लाख तक है।, यहाँ पर लाइन दी है कि हमारी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फोर्टी है ये थर्टी टू हो जाएगा अगर डेट एक्सीड करा फिफ्टी लैख से क्या फिफ्टी लैख से ज्यादा लोन लिया है ना फिफ्टी लैख तक का लिया है अगर फिफ्टी से एक रुपया ऊपर चला गया फिफ्टी लैख से एक रुपया तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर थर्टी टू हो जाएगा तो इस केस में हमारा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फोर्टी रहेगा ओके सेकंड केस में कह रहे हैं इक्विटी से सिक्सटी परसेंटी लाख और डेट से चालीस लाख मंगवाओ ठीक है तो भी शेयर का प्राइस चालीस ही रहेगा इसके बाद में तीसरा कह रहे हैं इक्विटी से मंगवाओ यानी लाख लाख टोटल मंगवाने और डेट से मंगवाओ सिक्सटी परसेंट यानी सिक्सटी लेख लाख लोन ले लिया तुम तो पचास लाख को क्रॉस कर गए तो भैया थर्टी टू रुपीज का आपका शेयर हो जाएगा ठीक है अब जरा यहां पर डेट के केस देखिए अगर आपने फिफ्टी लाख का लोन लिया है मैं बता दूं पहले चालीस लाख तक पंद्रह परसेंट देना है फिर चालीस से पचास के बीच में जो दस लाख है उस अगले दस लाख पर सोलह परसेंट इंटरेस्ट देना है फिर उसके ऊपर जो भी जाओगे अब अब पर जैसे यहां पर साठ लाख तक जा रहा है तो दस लाख तक और जा रहा है उस पर अठारह परसेंट देना है तो ये पचास लाख रुपए इन्होंने लिए तो 40 पे देंगे 15, अगले लाख देंगे लाख लिए तो सिर्फ पंद्रह परसेंट जाएगा यहां लाख का लोन है तो पहले फोर्टी पे फिफ्टीन अगले दस लाख पे सिक्सटीन उससे अगले दस लाख पर एटीन परसेंट इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा तो एक गेम तो खेलेगा इंटरेस्ट का दूसरा खेलेगा नंबर ऑफ शेयर का नंबर ऑफ शेयर का कैसे पचास लाख रुपए चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर से एक शेयर कितने में करोगे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दिया हुआ है चालीस रुपए में इशू करेंगे तो इसे हम चालीस और यहां पर लेकिन शेयर का प्राइस थर्टी टू हो गया तो थर्टी टू रुपीज का एक शेयर इशू होगा तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे कैसा पचास लाख चाहिए चालीस रुपये का शेयर साठ लाख चाहिए चालीस रुपए का शेयर है चालीस लाख रुपए चाहिए बत्तीस रुपए का शेयर है तो एक गड़बड़ी तो करी इन्होंने किसमें नंबर ऑफ शेयर में दूसरी गड़बड़ी किसमें करते हैं इंटरेस्ट में बस यही दो एरिया इनके पास है बाकी इनके पास एरिया कोई भी नहीं है ओके ये चल रहा है सर हां बच्चों ये चल रहा है अब देखो इसको निपटाते हैं क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ा क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं है क्वेश्चन बोर्डे आराम से हो जाते हैं बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी ओके okay. आ जाइए करते हैं तीन ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस अच्छा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो तो देख लें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर फॉर ईच ऑप्शन एंड स्टेट विच ऑप्शन द कंपनी शुड एक्सरसाइज तो कह रहे हैं ईपीएस निकालो और बताओ कौन सा ऑप्शन बेटर है यानी हमें ऑप्शन किसके बेसिस पे बताना है ईपीएस के बेसिस पर बताना है तो ईपीएस निकालो और बताओ कौन सा एमपीएस नहीं निकलवा रहे टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी फिफ्टी परसेंट ठीक है स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस तीन ऑप्शन लेंगे हम पर्टिकुलर्स ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री बहुत ही सिंपल ठीक है क्वेश्चन में है हमारे पास और ईबीआईटी क्वेश्चन बोला टू लैख अच्छा क्या ईबीआईटी अलग अलग ऑप्शन में बदल जाएगा नहीं जी ईबीआईटी और इन्वेस्टमेंट वो हमें कॉस्ट अकाउंटेंट बता चुके हैं कि भैया वन हंड्रेड लैख लगाने और ट्वेंटी टू लैख का हमारा ईबीआईटी आएगा हमें सिर्फ यह बताना है कि फंड कहां से अरेंज करें ओके लेस इंटरेस्ट अब देखिए जरा कैसे करेंगे इंटरेस्ट वाले पार्ट में आप लोग रुकना और आराम से देखना बड़ा सिंपल है इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे ए बी सी इन्होंने तीन कैटेगरी दी है तो हम यहां पर कर देंगे फिफ्टीन परसेंट फर्स्ट फोर्टी लैख पर है फिफ्टीन परसेंट एट फर्स्ट फोर्टी लैख इसके बाद में सिक्सटीन परसेंट फॉर नेक्स्ट टेन लैख और इसके बाद में एटीन परसेंट अब फिफ्टी लैख जितना भी आप लोगे उस पर लग जाएगा ऑप्शन नंबर वन में क्वेश्चन ने कहा है फिफ्टी परसेंट डेट है यानी पचास लाख रुपए डेट से आ गए तो फिफ्टीन परसेंट ये आ गया जी सिक्स लैख और ये आ गया वन लैख सिक्सटी थाउजेंड यहां फिर दूसरे ऑप्शन में फोर्टी लैख है तो फोर्टी लैख पर सिक्स लैख आ गया और कोई इंटरेस्ट नहीं फिर है आपके पास टोटल सिक्सटी लैख का लोन लास्ट वाले सिक्सटी लैख का लोन चाहिए तो यहां पर फोर्टी लैख तक सिक्स लैख दो फिर 160 दो और उसके बाद में अगले दस लाख पर वन एटी दो ये हमारे पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स क्लियर है कैसे चल रहा है इंटरेस्ट मैंने इसमें आराम से समझिएगा पहले केस में 50 लैक का का, का। दूसरे में 40 लैक का, तीसरे में 40 तीसरे 60 लैक का. तो पहले पहले केस में 50 लैक में 50 10, 40 लाख तक 15 दो, अगले 10 लाख पर 16 16 उसके बाद जितना भी लोग अठारह तो दस लाख ही ओड लिया ओके. हमारे पास इसे माइनस करेंगे ईबीटी आ जाएगा ट्वेंटी माइनस सेवन सिक्सटी फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड ट्वेंटी टू लैख माइनस सिक्स लेख सिक्सटीन लैख ट्वेंटी टू लैख माइनस सिक्स लैख माइनस वन सिक्सटी माइनस वन एटी ट्वेल्व लैख सिक्सटी थाउजेंड ईबीटी के बाद में माइनस टैक्स टैक्स में कोई दिक्कत नहीं है इसमें कोई झोल नहीं होता क्रिस्टल क्लियर है एकदम फिफ्टी परसेंट आएगा बात खत्म हो जाएगी और उसके बाद में हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा फिफ्टी परसेंट टैक्स है सेवन ट्वेंटी हो गया सेवन ट्वेंटी यहाँ बच गया अच्छा एक चीज और बच्चे पूछते हैं कि सर जैसे एक जनरल डाउट आता है बच्चों का बताता हूँ अभी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी एक बच्चों का जनरल डाउट ये आता है कि आराम से देखना उनका लॉजिक भी है उसमें बात को सुनना एक मिनट रुक जाओ पहले बात को सुनना मेरी जैसे हमने यहाँ पर लेस लिखा तो बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पर माइनस करके दिखाने की जरूरत है या नहीं तो मैं बता दूं ये पर्टिकुलर्स रहते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं अगर आपने यहाँ पर लेस लिख दिया तो ये माना जाएगा माइनस ही हो रहा है तो माइनस का वो है अच्छा उसके अलावा आप लोग ये देखिए कि अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं तो इससे क्लियर हो जाता है हम माइनस किया है तो आप ब्रैकेट लगाते हैं या नहीं लगाते हैं वो कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं, नहीं, तो तो नहीं है तो अगर आपने लेस लिख दिया और बाहर ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी ये माना जाएगा कि पर्टिकुलर्स में तो बताया हुआ था ना कि माइनस कर रहे हैं और अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो ये क्लियर है कि पर्टिकुलर्स में ही बताया हुआ है और वैसे भी हमने दिखा भी दिया कि माइनस हो रहा है तो आप ब्रैकेट्स लगाते हैं ये ब्रैकेट लगाना यानी माइनस करना तो वो भी चलेगा और अगर आप लेस कर दिया है और उसके बाद आपने सीधे लिख दिया है, तो भी माना जाएगा माइनस ही किया है आपने दोनों तरीके से पूरे नंबर है अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी प्रीफरेंस शेयर नहीं है तो जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई है अर्निंग आफ्टर टैक्स में दो लोगों पर पैसा बढ़ता है प्रीफरेंस पर और इक्विटी पर यहां पर प्रीफरेंस शेयर्स नहीं है तो ई टी प्रीफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के लिए प्रीफरेंस नहीं है तो अब सारा पैसा इक्विटी के लिए ही है पहले वाले केस में हमें पचास लाख रुपए चाहिए इक्विटी शेयर फंड हो गया दूसरे केस में हमें चाहिए सिक्सटी लैख इक्विटी से और तीसरे केस में फोर्टी लैख इक्विटी से पहले केस में हमारे शेयर का एमपीएस चालीस रुपए रहेगा दूसरे केस में भी चालीस रहेगा तीसरे केस में क्वेश्चन ने कहा था कि अगर आप 50 लैख से ऊपर रेज करोगे तो शेयर का प्राइस 32 हो जाएगा तो अगर आप 50 लैख से ऊपर डेट रेज करते हो लोन लेते हो तो शेयर का प्राइस 32 हो जाएगा तो थर्ड केस में आपने 50 लाख से ज्यादा लोन लिया है तो यहां पर शेयर का प्राइस आपका थर्टी रहेगा तो थर्टी में इशू करना पड़ेगा हमें थर्टी टू अब वो आपके पास नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन आ जाएगी तो 50 लाख डिवाइड बाई फोर्टी रुपीज का एक शेयर इशू किया उजेंड शेयर आपको इशू करने पड़ेंगे ईपीएस यहाँ पर, पर आ जाएगा क्वेश्चन ने कहा है कि ईपीएस निकालो और बताओ कौन सा ऑप्शन चूज करें यानी ई पी एस के बेसिस पर ही बात पूछ रहा है सारी ई पी एस सेवन ट्वेंटी डिवाइड बाई वन टी फाइव 5.76 एक शेयर होल्डर कमाएगा ऑप्शन वन में 8 लाख डिवाइडेड बाई 150 यहां पर एक शेयर पर 5.33 की कमाई होगी और 630 थर्टी डिवाइड बाई वन यहां पर एक शेयर पर 5.04 की कमाई होगी यह हमारे पास आ गई तीनों के ईपीएस जिसका ईपीएस सबसे ज्यादा है वो ऑप्शन हम चूज करेंगे सेलेक्ट ऑप्शन वन हैविंग हाइएस्ट ईपीएस क्वेश्चन वन खत्म कितने नंबर में आएगा तो देखो जो ई बी आई टी ईपीएस के क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन कभी तो ये पांच नंबर में पूछ लेते हैं और कभी इसको टेन मार्क्स में पूछ लेते हैं तो फाइव टू टेन मार्क्स की इसकी वेटेज रहती है तो आपके पास जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं देखो अगर पांच नंबर में आया तो जस्टिफाई करता है पांच नंबर के लिए कितने हार्डली फाइव टू सेवन मिनट्स लगेंगे क्वेश्चन करने में दस नंबर में दे दिया तो बोनस मार्क्स बच्चा कहता है दस में भी आ सकता है के आई से ये पूछ लेता है कई बार आईसीआई के साथ में एक सिनेरियो हमेशा रहेगा कई बार तो वो बड़े बड़े क्वेश्चन जो दस दस नंबर के बनते हैं उन्हें पांच पांच में पूछ लेता है तो हम लोग ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि पेपर लेंदी है और कई बार पांच पांच नंबर वाले क्वेश्चन पे दस नंबर दे देता है तो क्वेश्चन पेपर आसान हो जाता है आपको ये ध्यान रखना है कितने नंबर मिल रहे हैं हमें उससे लेना देना नहीं है क्वेश्चन आएगा हम करके आएंगे बात खत्म पांच दे या दस दे हमारे लिए तो एक एक नंबर कीमती है बीक्यू टू खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी बेफिक्र होकर करिए आ जाइए पढ़ते हैं अ कंपनी नीड्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री तो ट्वेल्व लैख की जरूरत है पॉइंट नंबर वन विच वुड ईल्ड ईल्ड यानी आउटपुट तो ईल्ड यहां पर अर्निंग की तरह से पकड़ा जाएगा विच वुड ईल्ड एन एनुअल ईबीआईटी ऑफ टू लैख लो जी ईबीआईटी भी दे दिया तो पैसा कितना लगाना है ट्वेल्व लैख बी कितना आएगा कितना टू लैक ये दोनों बातें क्लियर हो गई द कंपनी हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अर्निंग पर शेयर कंपनी ईपीएस के ऊपर फोकस करके चल रही है यानी जो जवाब दिया जाएगा वो ई के बेसिस पर दिया जाना है ठीक है इट इज कंसीडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इशूइंग इक्विटी शेयर्स प्लस रेजिंग अ डेट ऑफ टू लैक तो हमारे पास एक ऑप्शन हुआ कि हम इक्विटी शेयर इशू करें और डेट ले लें दो लाख रुपए का टोटल बारह लाख रुपए की जरूरत है यानी का इक्विटी और टू लैख का डेट हो गया ट्वेल्व अ डेट ऑफ टू लेख ऑप्शन वन कोमा सिक्स छह लाख रुपए का डेट ले लें अगर आप छह लाख रुपए का डेट लेंगे तो इक्विटी शेयर से भी छह लाख मंगवाएंगे क्योंकि टोटल बारह लाख मंगवाने हैं तीसरा ऑप्शन और टेन लेख यानी डेट दस लाख का ले लें अगर डेट दस लाख का लोगे तो इक्विटी दो लाख रुपए का होगा तो ये तीन प्लान हो गए हमारे पास आप देखिए पूरी लाइन इट इज कंसिडरिंग ऑफ इक्विटी इशुंगक्टी टू सिक्स लैख ऑप्शन थ्री टेन लैख टोटल ट्वेल्व लैक की जरूरत है ट्वेल्व लैख में से दो लाख रुपए डेट से तो दस लाख इक्विटी से सिक्स लाख रुपए डेट से तो इक्विटी से भी सिक्स और टेन लाख डेट से मंगवाओगे तो इक्विटी से दो लाख रुपए आ जाएंगे द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज फोर्टी रुपीज टेड टू ड्रॉप टू ट्वेंटी फाइव पर शेयर इफ मार्केट बोरोड से अगर साढ़े सात लाख रुपए से ज्यादा का लोन लोगे तो शेयर प्राइस पच्चीस हो जाएगा तो केस वन में दो लाख का लोन है शेयर प्राइस चालीस रहेगा केस टू में सिक्स लाख का लोन है शेयर प्राइस फोर्टी रुपीज रहेगा थर्ड केस में टेन लाख का लोन है जो सेवन फिफ्टी से ज्यादा है इस केस में शेयर का प्राइस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा शेयर का प्राइस क्यों बदलते हैं देखो दो ही लाख है इनके पास एक इंटरेस्ट में घुमाएंगे आपको दूसरा नंबर ऑफ शेयर में नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमें निकालना होता है इक्विटी से पैसा कितना चाहिए डिवाइडेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर तो इस वजह से ये ये दो ऑप्शन इनके पास रहेंगे ये आपको थोड़ा बहुत इसमें घुमाएंगे और कोई इनके पास तरीका नहीं है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज इंडिकेटेड एज अंडर ध्यान से देखना अब लोन पे घुमाएंगे इंटरेस्ट पर अपटू टू फिफ्टी का अगर आप लोन लेते हो तो टेन परसेंट इंटरेस्ट आएगा ठीक है बिटविन 250 से लेकर 625 तक 14 परसेंट का रेट रहेगा तो जैसे आपने दो लाख रुपए का लोन लिया, तो वो 10 परसेंट में आएगा फिर आपको सिक्स लैख का लोन लेना है तो पहले 2.5 पॉइंट पर 10 परसेंट रहेगा उसके बाद कितने और चाहिए 3.5 पॉइंट और चाहिए उस पर रहेगा 14 परसेंट तो स्लैब दिया हुआ है अप टू टू फिफ्टी टेन परसेंट कई बार बच्चे कहता है कि सर, ऐसा तो नहीं कि हमने छह लाख रुपए लिए हैं तो ऊपर तो पूरे पूरे है। तो है। जो लोन लोगे बिटवीन टू फिफ्टी वन टू एंड सिक्स इंटरेस्ट का रेट फोर्टीन लगेगा बिटवीन सिक्स ट्वेंटी फाइव जीरो जीरो टेन इंटरेस्ट रेट रहेगा सोलह परसेंट तो ये स्लैब दिया हुआ है कि टू फिफ्टी तक इतना दो इसके बाद में इतना दो और इसके बाद में इतनी पेमेंट करो एज्यूमिंग टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट वर्कआउट ईपीएस एंड द स्कीम विच शुड मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट तो ईपीएस निकालना है जिसका ईपीएस ज्यादा होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर तीन ऑप्शन आ गए हमारे पास टू लैख का लोन पर्टिकुलर्स सिक्स लेख का लोन और लास्ट है टेन लेख का लोन कई बच्चे क्या करते हैं यहां पर प्लान लिख देते हैं आप भी लिख सकते हैं एग्जाम में वैसे बिना प्लान के भी चल सकते हो प्लान कैसे लिखते हैं वो यहां पे ना इक्विटी और डेट की अमाउंट लिख देते हैं जिससे क्वेश्चन करना आसान हो जाता है फिर नीचे तो जैसे इक्विटी पहले वाले केस में टेन लेख है डेट टू लैक है दूसरे केस में इक्विटी है आपका सिक्स और डेट भी सिक्स। और थर्ड केस में आपका डेट टेन लेख हो गया था तो इक्विटी टू लेख इससे क्वेश्चन आपका आसान हो जाता है तो आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा सीधे EBIT से स्टार्ट करते हो ये ऐसे है जैसे आपको ध्यान होगा शेयर कैपिटल की टेबल टेबल बनाते थे ट्वेल्थ में तो वो अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सीधे एंट्री करो और बात खत्म हो जाती है पर आप टेबल बनाते हो तो आपको हेल्प हो जाती है ईबीआईटीबीआईटी है हमारे पास क्वेश्चन ने दिया है कितना टू लैक ठीक है जी तो हमारा ई बी टू आएगा ओके okay. इसके बाद में है लेस इंटरेस्ट केस ए केस ए है टेन परसेंट अप टू टू लेख फिफ्टी थाउजेंड मैं यहां पर लिख के दिखाऊंगा आपको वर्किंग इस बार पहले तो मैंने सीधे इंटरेस्ट ले लिया था अब मैं वर्किंग लिख के दिखा रहा हूं जिससे और भी क्लैरिटी आएगी आपको पहले वाले केस में दो लाख का लोन है तो बीस हजार का इंटरेस्ट बन गया दूसरे वाले केस में 6 का लोन है तो टेन परसेंट टू पॉइंट फाइव लैख तो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा लास्ट वाले केस में दस लाख का लोन है वहां पर भी टू पॉइंट फाइव लैख पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा ढाई लाख रुपए पूरे लेने पड़ेंगे ठीक है तो पच्चीस हजार और पच्चीस हजार का इंटरेस्ट आ गया ठीक है जी इसके बाद में बी फोर्टीन परसेंट का इंटरेस्ट लगेगा बिटवीन टू फिफ्टी जीरो जीरो वन टू सिक्स लेख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो पहले वाले केस में तो दो लाख का ही लोन है गए नहीं ढाई लाख से ऊपर दूसरे केस में सिक्स लेख है सिक्स लेख में से टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तो टेन परसेंट पर बचे कितने थ्री फिफ्टी तो फोर्टीन परसेंट थ्री पॉइंट फाइव लैख पे लग जाएगा थाउजेंड देखिए छह लाख रुपए हो गए ढाई लाख रुपए दस परसेंट से और थ्री पॉइंट फाइव लैख फोर्टीन परसेंट से लास्ट वाले केस में दस लाख ,00 का लोन है तो पूरी अमाउंट उठेगी तो सिक्स ट्वेंटी फाइव माइनस टू फिफ्टी थ्री सेवेंटी फाइव तीन लाख पिछहत्तर हजार रुपए हमारे फोर्टीन परसेंट से उठा लेंगे तो टू पॉइंट फाइव लैक तो आ गए टेन परसेंट से थ्री पॉइंट सेवन फाइव लैख आ गए फोर्टीन परसेंट से ओके okay. इसके बाद में हमारे पास आखिरी स्लैब है सिक्स ट्वेंटी फाइव से दस लाख का जिस पर इंटरेस्ट है सिक्सटीन परसेंट बिटवीन सिक्स ट्वेंटी फाइव जीरो जीरो वन टू टेन लैख यहां कुछ नहीं यहां कुछ नहीं ये उठाएगा जरा देखिए पूरे दस लाख रुपए हो गए होंगे पहले ढाई लाख रुपए दस परसेंट से उसके बाद के थ्री पॉइंट सेवन फाइव लैख फोर्टीन परसेंट से उसके बाद बचे हुए थ्री पॉइंट सेवन फाइव लैख सिक्सटीन परसेंट से सिक्सटी थाउजेंड यहां पर आ गया ये हमारे पास ईबीटी आ जाएगा आप समझने में क्या कर रहा हूं हर अगले क्वेश्चन में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन और एक एक वर्किंग लिखकर जिससे आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाए आज की क्लास के एंड में ये पूरा EBIT EPS आपके दिमाग में छा जाएगा कि अच्छा इस तरह से करते हैं और हाथ पे भी सेट हो जाएगा क्लास के साथ ही टू लैख माइनस ट्वेंटी थाउजेंड वन एटी टू लैख माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस फोर्टी नाइन थाउजेंड One twenty six, two lakh minus twenty five thousand minus fifty five hundred minus sixty thousand, sixty to five hundred. Okay, less tax. Tax ka rate the fifty percent. Ninety thousand, sixty three thousand. थ्री वन टू फाइव जीरो ई ए टी कोई प्रिफरेंस शेयर क्वेश्चन में नहीं है यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स ही अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएगा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर और आपके पास आ जाएगा ईपीएस जिसका ईपीएस ज्यादा होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे नंबर ऑफ शेयर यहां पर आप शेयर कैपिटल से मंगाओगे दस लाख रुपए यहां सिक्स लैख और यहां टू लैख शेयर का प्राइस है चालीस रुपए यहां भी चालीस रहेगा लेकिन लास्ट वाले केस में क्योंकि आपने लोन सेवन पॉइंट फाइव लैख से ऊपर क्रॉस कर दिया दस लाख का लोन है तो शेयर का प्राइस पच्चीस रुपए हो जाएगा तो टेन लैख डिवाइड बाई फोर्टी

यहां पर आपको एक शेयर पर 3.906 है तो 3.91 की कमाई होगी यह हमारे पास तीनों केस में कमाई आ गई सबसे ज्यादा कमाई किस में ऑप्शन नंबर टू में कंपनी शर्ट सेलेक्ट ऑप्शन थ्री सॉरी टू हैविंग शेयर बहुत ही सिंपल आपको खुद भी लग रहा होगा धीरे धीरे कि हाँ सर अब तो समझ में आ रहा है बहुत आसान लग रहा है ठीक है बिल्कुल सिंपल है बिल्कुल आसान है साथ के साथ करते जाइए क्लास में ही हाथ इतना सेट हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाएगा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा हुआ हमने सारे एडजस्टमेंट कवर है हर तरीके का क्वेश्चन कवर है बी क्यू थ्री अ फर्म हैज एन ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ वन लैक ऑर्डिनरी शेयर ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं इक्विटी शेयर को और प्रीफर्ड शेयर प्रीफरेंड शेयर को और ऑर्डिनरी शेयर के अलावा इक्विटी शेयर को कॉमन स्टॉक भी बोलते हैं कॉमन स्टॉक या ऑर्डिनरी शेयर यानी इक्विटी शेयर बोल रहे हैं ठीक है फर्म हैज एन ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर अभी कंपनी के पास सारा पैसा इक्विटी कैपिटल से वन लैख शेयर उसके पास है टेन रुपीज पर इंच द फर्म वॉन्ट टू रेज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट एंड इट कंसिडरिंग थ्री ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग ढाई लाख रुपए की जरूरत है टू इशू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर एट रुपीज टेन इंच टू बोरो थाउजेंड एट एट परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट थर्ड टू इशू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड प्रीफरेंस शेयर ऑफ हंड एट एट परसेंट तो कह रहे हैं पच्चीस हजार शेयर इशू कर दो दस रुपए के हिसाब से ढाई लाख आ जाएंगे दूसरा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का आप डेट uh, इशू कर दो और तीसरा प्रीफरेंस शेयर कर दो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज थ्री वन टू फाइव हंड्रेड एंड टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट तो पैसा कितना चाहिए टू लैख फिफ्टी थाउजेंड ई टी कितना होगा थ्री ट्वेल्व फाइव हंड्रेड टैक्स रेट फिफ्टी परसेंट है और तीन केस आपको दे दिए आप मुझे करके खुद भी कर सकते हैं की है, तीनों केस में। ये, एक के सर ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क में दे दो ये तो बहुत आसान लग रहा है देंगे बेटा होमवर्क भी देंगे परेशान क्यों हो रहे हो अभी हाथ सेट करते हैं ना अच्छे से साथ में मिलकर हाँ सेट करते हैं ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव टू ऑल्टरनेटिव थ्री ठीक है ई इन्होंने हमें दिया हुआ है ईबीआईटी बोल रहे हैं थ्री वन टू फाइव हंड्रेड ओके लेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ एट परसेंट ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड पहले केस में पैसा इक्विटी से मंगवाएंगे लास्ट केस में प्रीफरेंस से सिर्फ सेकेंड वाले केस में ही हम लोन पर पैसा मंगवा रहे हैं ट्वेंटी थाउजेंड आगे इंटरेस्ट ईबीटी थ्री वन टू फाइव हंड्रेड टू नाइन टू फाइव हंड्रेड एंड थ्री वन टू फाइव हंड्रेड लेस टैक्स एट द रेट ऑफ फिफ्टी परसेंट और फिर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या इस बार भी अर्निंग आफ्टर टैक्स सारे इक्विटी के लिए है नहीं इसमें प्रिफ्रेंस शेयर है दोनों का हिस्सा है इस बार वन फोर सिक्स टू फाइव जीरो वन फोर सिक्स टू फाइव जीरो वन फाइव सिक्स टू फिफ्टी 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 ओके लेस प्रीफ्रेंस डिविडेंड प्रीफरेंस डिविडेंड का रेट है एट परसेंट एट परसेंट ऑफ टू पॉइंट फाइव लैख ठीक है जी पहले केस में पैसा इक्विटी से आ रहा है दूसरे केस में डेट से आ रहा है कोई प्रिफरेंस डिविडेंड नहीं लास्ट वाले केस में पैसा प्रिफरेंस शेयर से मंगवा रहे हो तो बीस हजार का डिविडेंड देना पड़ेगा ओके अर्निंग फॉर इक्विटी तो सिंपल केस बना दिए पहले पैसे में इक्विटी पहले वाले में इक्विटी से दूसरे में डेट से तीसरे में प्रिफ्रेंस से वन फाइव सिक्स टू फिफ्टी वन फोर सिक्स टू फिफ्टी एंड वन थ्री सिक्स टू फिफ्टी ओके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर्स इस कंपनी के पास पहले से एक लाख शेयर है एग्जिस्टिंग लाख प्लस नए कितने इशू किए और आपके पास आ जाएगा ईपीएस ये पॉइंट देखने वाला है ईपीएस देखो एक मिनट के लिए रुकना क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमारे पास पहले से ही एक लाख रुपए एक लाख इक्विटी एक शेयर्स हैं ठीक है फिर तीन ऑप्शन बताए मैं आपको बता दूं अगर इनके पास पहले से इक्विटी शेयर नहीं होते तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये बनते ही नहीं सेकंड और थ्री तो क्यों नहीं बनते कह रहे हैं, टू फिफ्टी मंगवा लो लोन पे किसी भी कंपनी में पैसा सिर्फ लोन का थोड़ी हो सकता है इक्विटी भी तो होना चाहिए तो अगर कंपनी के पास पहले से शेयर कैपिटल है तो बचा हुआ पैसा वो पूरा का पूरा लोन पे ले सकती है लेकिन स्टार्टिंग बेस के लिए इक्विटी शेयर होने जरूरी है तो एक लाख शेयर इनके पास पहले से है पहले केस में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और इशू कर दिए कितने हो गए एक लाख पच्चीस हजार शेयर सेकंड केस में इन्होंने पैसा मंगवाया है डेट से तो कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ लेकिन एक लाख शेयर पुराने तो हैं वो तो रहेंगी वो कहां जाएंगे थर्ड केस में जो एडिशनल अमाउंट है वो प्रीफरेंस शेयर से मंगवाई है तो क्या इक्विटी जीरो है नहीं इक्विटी एक लाख है तो हमारे पास एक लाख शेयर हैं ऑलरेडी और दस रुपए पर शेयर पे हमने इशू किया हुआ है तो इसका मतलब हमारी कंपनी में टेन लैक्स पैलेस है अब हम एडिशनल टू फिफ्टी चाहते थे उसके लिए क्वेश्चन चल रहा है

दूसरे केस में एक लाख पहले से थे नया कोई इशू नहीं करा क्योंकि पैसा डेट से मंगवाया है और थर्ड केस में एक लाख शेयर पहले से थे नया कोई इशू नहीं किया क्योंकि शेयर से मंगवाया है तो अगर मैं देखूं पहले वाले प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं कोई प्रिफरेंस डिविडेंड नहीं रीजन आपने इक्विटी शेयर इशू करे तो ये एक लाख पच्चीस शेयर शेयर हो गए दूसरे केस में इंटरेस्ट है कोई डिविडेंड नहीं कोई नया शेयर नहीं क्योंकि ना आपने प्रीफरेंस शेयर से पैसा मंगवाया ना फर्दर इक्विटी से मंगवाया आपने पैसा लोन पे मंगवाया तो सिर्फ इंटरेस्ट गया थर्ड केस में ना तो कोई इंटरेस्ट है और ना ही कोई नया शेयर इशू हुआ है क्योंकि प्रीफरेंस शेयर से पैसा मंगवाया है तो एक केस में इंटरेस्ट आ गया एक केस केस में में डिविडेंड आ गया और एक केस में कुछ एडिशनल शेयर्स आ गए तीन केस इन्होंने हमें बनाकर दे दिए ओके ये चल रहा है एक बार इक्विटी एक से मंगवा लो एक बार प्रीफरेंस से मंगवा लो एक बार डेट से मंगवा लो बाकी वन लैख शेयर हमारे पास ऑलरेडी चल रहे हैं तो अब इस कंपनी में केस नंबर वन में वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स हो जाएंगे यहां पर वन लैख शेयर्स रहेंगे और यहां पर वन लैख शेयर्स रहेंगे तो ईपीएस हो गया वन फिफ्टी सिक्स टू फिफ्टी डिवाइड बाई वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड शेयर्स वन पॉइंट टू फाइव दूसरे वाले केस में हो गया वन पॉइंट फोर सिक्स और तीसरे केस में हो गया वन पॉइंट थ्री सिक्स ये हमारे पास निकल कर आ गया किसका ईपीएस सबसे ज्यादा है सेकंड वाले ऑप्शन का तो कंपनी शुड गो विद ऑल्टरनेटिव सेकंड हैविंग हाईएस्ट ईपीएस ओके जो आपके पास बुक है सेम बुक मेरे पास है मैं प्रिंट आउट की फॉर्म में इसको निकलवा के रखता हूँ मतलब एक एक पेज ऐसे निकलवा के रख लेता हूँ तो आपके पास जो बुक है वही मेरे पास भी है यहाँ पर उसी में से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आ बी क्यू फोर एकदम सिंपल है एकदम आसान बहुत ही सिंपल चल रहा है बस अलग अलग चीजें अब मिलती रहेंगी वो एक एक चीज मिलती जाएगी कॉम्बिनेशन बनके ओवरऑल कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा प्रैक्टिस चली रही है क्लास में मॉडर्न केमिकल लिमिटेड रिक्वायर्स ट्वेंटी फाइव लैख फॉर अ न्यू प्लांट पच्चीस लाख की जरूरत है बता दिया कितना फंड चाहिए दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू ईल्ड अर्निंग विफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फाइव लैख ये ईबीआईटी फाइव लैख रुपीज का आपको देगा ओके वाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान द कंपनी कंसिडर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग ईपीएस तो ईपीएस पे इनका फोकस है आप देख रहे होंगे सारी क्वेश्चन ईपीएस के बेसिस पर ही है। असल में चैप्टर का नाम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है तो ईपीएस ही निकलवाते हैं कुछ क्वेश्चन में कभी कॉन्फ्लिक्ट आए तो एमपीएस कंसीडर किया जाएगा अगर क्वेश्चन बोले एमपीएस निकालो तब वरना कोई नीड नहीं है वो क्वेश्चन भी आएंगे दिखाऊंगा आपको इट हैज थ्री टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाई रेजिंग डेट ऑफ टू फिफ्टी अगर टू फिफ्टी डेट से मंगवाओगे तो इक्विटी से कितना मंगवाओगे ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव लैख टेन लेख और फिफ्टीन लैक तो कह रहे हैं हमारे पास तीन ऑल्टरनेटिव है कि डेट से टू फिफ्टी मंगवाए तो बचा हुआ पैसा इक्विटी से टोटल पच्चीस लाख चाहिए दस लाख डेट से मंगवाओगे तो इक्विटी से कितना पंद्रह लाख और पंद्रह लाख अगर डेट से मंगवाओगे तो इक्विटी से कितना दस लाख रुपए टोटल ट्वेंटी फाइव लैख की जरूरत है हमें पूरा कॉम्बिनेशन पच्चीस लाख का बनना चाहिए तो तीन ऑप्शन हो गए डेट के टू फिफ्टी टेन लैख फिफ्टीन लेख एंड द बैलेंस इन ईच केस बाई इशूइंग इक्विटी शेयर बाकी पैसा इक्विटी से मंगवाना है ठीक है कंपनी शेयर इज करंटली सेलिंग एट वन फिफ्टी तो हमारा जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो एक सौ पचास रुपए है बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू वन ट्वेंटी फाइव इनकेस द फंड लेकिन अगर आपने दस लाख ,00 से ज्यादा लोन लिया तो प्राइस एक सौ पच्चीस हो जाएगा तो अभी हमने टू फिफ्टी का लोन लिया तो प्राइस एक सौ पचास रहेगा दस लाख रुपए का भी लोन लिया है तो भी प्राइस एक सौ पचास रहेगा लेकिन जैसे ही दस लाख ,00 को क्रॉस करोगे यानी पंद्रह लाख पे पहुंचोगे अब यहां पर हमारे शेयर का प्राइस एक रुपए हो जाएगा तो दो ही जगह है इनके पास एक तो शेयर का प्राइस बदलते रहते हैं जिससे नंबर ऑफ शेयर्स में आपकी कैलकुलेशन कहीं गलती हो जाए दूसरा भी इंटरेस्ट की कहानी सुनाएंगे इन दोनों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है द फंड कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट अप टू टू फिफ्टी फिफ्टीन परसेंट ओवर टू फिफ्टी एंड अप टू टेन लैख एंड ट्वेंटी परसेंट ओवर टेन लैख तो कह रहे हैं टू लैख फिफ्टी थाउजेंड तक टेन परसेंट इंटरेस्ट लगेगा उससे ऊपर जाओगे तो टू फिफ्टी से लेकर दस लाख रुपए तक पंद्रह परसेंट लेंगे आपसे और अगर दस लाख से भी ऊपर जाओगे तो फिर बीस परसेंट इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा सेम कहानी अब तो कंफर्टेबल लग रहा होगा बिल्कुल सेम चल रहे हैं सारे द टैक्स रेट इज फिफ्टी परसेंट विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज ओके जी तो ईपीएस निकालना है हमें आ जाइए कि सर ये तो हम खुद कर लेंगे अरे कोई बात नहीं चिंता क्यों कर रहे हो करने के लिए भी दूंगा स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है भर भर के क्वेश्चन हैं पर्टिकुलर्स हमारे पास ऑप्शन वन ऑप्शन टू और ऑप्शन थ्री ऑप्शन बोला है इन्होंने थ्री ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव बोला है ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव टू ऑल्टरनेटिव थ्री बी आई टी खुद बताया हुआ है बिल्कुल क्वेश्चन ही बताता है हमेशा Ebit है फाइव लैख ओके लेस इंटरेस्ट मेरे को पहुंच करके आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करो ये तो चीज है मेन ए बी सी इंटरेस्ट का रेट है टेन परसेंट अप टू टू पॉइंट फाइव लैख फिर उसके बाद इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा फिफ्टीन परसेंट ओवर टू पॉइंट फाइव लैख एंड अपू टेन लैख उसके बाद इंटरेस्ट का रेट हो जाएगा ट्वेंटी परसेंट ओवर टेन लैख ठीक है जी पहले ऑप्शन में कितना लोन ले रहे हैं टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का पच्चीस हजार रुपए का इंटरेस्ट दो तो बात खत्म और कोई इंटरेस्ट नहीं देना दूसरे केस में कितना लोन ले रहे हैं दस लाख रुपए का दस लाख का ले रहे हो तो पहले टू पॉइंट इंटरेस्ट दो पर पंद्रह परसेंट वन वन टू फाइव हंड्रेड दस लाख का लोन था बात खत्म हो गई तीसरे केस में पंद्रह लाख रुपए का लोन है 15 का लोन है तो पहले टू पॉइंट फाइव लैख पर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का इंटरेस्ट दो उसके बाद वन लैक ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड का इंटरेस्ट और नेक्स्ट सेवन पॉइंट फाइव पर दस लाख हो गए यहां तक अब पांच लाख रुपए का लोन हो रहे, उस पर बीस परसेंट एक लाख रुपए का इंटरेस्ट यहां पर दो यहां मैं लिख भी देता हूं ट्वेंटी परसेंट ऑन फाइव लैख अर्निंग बिफोर टैक्स पर आप आ जाएंगे फोर लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड टू सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड ओके इसके बाद में हमारे पास आता है टैक्स टैक्स क्वेश्चन ने कितने परसेंट बोला है टैक्स बोला है फिफ्टी परसेंट फिर आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स इस क्वेश्चन में कोई प्रीफ्रेंस शेयर्स नहीं है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कमाई बन जाएगी 237,500, 237,500, ओके okay. वन एटी वन थर्टी वन टू फिफ्टी वन थर्टी वन टू फिफ्टी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर ध्यान रखना नंबर ऑफ शेयर में पंगा करेंगे पहले वाले केस में 2.5 पॉइंट फाइव लैख लोन से मंगवाया था 22.5 टू पॉइंट फाइव लैख इक्विटी से दूसरे केस में टेन लैख लोन पर था और फिफ्टीन लैख इक्विटी से हुआ फिर टोटल पच्चीस लाख ,00 मंगवाने हैं थर्ड केस में पंद्रह लाख रुपए का लोन था तो दस लाख रुपए इक्विटी से आपको अगर कंफ्यूजन हो ना कि आप भूल जाते हो या कुछ वैसे ऐसा होगा नहीं बहुत सिंपल चीज है तो ऊपर ईबीआईटी से ऊपर आप ना डेट और इक्विटी मेंशन कर देना कि डेट इतना है इस इस केस में, इतना इस केस में में इक्विटी इतना है है वो हेल्प कर देता है। अगर आप भूलते हो तो वैसे इतना छोटा क्वेश्चन होता है और सामने ही रखा होता है तो गलती होती नहीं है इसमें अब यहां पर शेयर का प्राइस वन है अगर आप टेन लैख तक लोन लेते हो तो शेयर का प्राइस वन बोला है अगर आप टेन लैख को एक्सीड करोगे तो शेयर का प्राइस वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा तो यहां एक सौ पच्चीस रुपए का हो जाएगा ओके क्योंकि यहां पर लोन पंद्रह लाख रुपए का है ट्वेंटी यहां शेयर्स आपको इशू करने हैं यहां पर आपको टेन थाउजेंड शेयर इशू करने हैं और यहां पर आपको एट थाउजेंड शेयर इशू करने हैं ये आपके पास आ गया ईपीएस जिसका ईपीएस ज्यादा है वो ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा टू थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड बाई फिफ्टी था आ गया हमारे पास फिफ्टीन पॉइंट एट थ्री थ्री एट थ्री लिख रहा हूँ बस दो डेसिमल तक ले रहा हूं मैं दो तक ठीक रहता है कोई दिक्कत नहीं है एटीन पॉइंट तो एटीन पॉइंट बाई एट थाउजेंड सिक्सटीन पॉइंट फोर जीरो सिक्स तो सिक्सटीन पॉइंट फोर वन सबसे ज्यादा कमाई सेकेंड ऑप्शन में आ रही है कंपनी शुड गोविद ऑल्टरनेटिव टू हैविंग हाइएस्ट ईपीएस मुझे लगता है कि बहुत अच्छा हाथ सेट हो गया होगा हो वो आपका कंफर्टेबल हो गए होंगे इसमें ओके बीक्यू फाइव बहुत ही आसान है एकदम सिंपल चल रहा है बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं है आ रही बी क्यू फाइव बेस्ट

इस कंपनी के पास इक्विटी शेयर है अब एक बात बताइए ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ये ईबीटी होगा ठीक है यहां लिखा है एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट यहां पर ये तो लिखा नहीं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्री टैक्स प्रॉफिट का मतलब क्या आएगा प्री टैक्स प्रॉफिट का मतलब हुआ बिफोर टैक्स प्रॉफिट का मतलब हुआ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी या फिर अर्निंग बिफोर टैक्स ईबीटी हुआ तो यहां पर इन्होंने कहा इट्स अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट सिक्सटी लैखी लैख कमा रहे हैं बिफोर टैक्स तो यानी साठ लाख कमा रहे हैं इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है इसका मतलब कोई इंटरेस्ट तो होगा नहीं तो इनका ईबीआईटी कितना होगा इनका ईबीआईटी भी तो साठ लाख रुपए होगा आराम से सोचो एक कंपनी चल रही है अभी उसके पास हंड्रेड लैख की कैपिटल है बेसिकली उसमें सिर्फ इक्विटी शेयर है टेन लैख शेयर है दस रुपए का एक है हंड्रेड लैख की कैपिटल है कंपनी साठ लाख रुपए बिफोर टैक्स कमा रही है तो अगर यह साठ लाख रुपए बिफोर टैक्स कमा रही है तो इसका ईबीआईटी भी लाख रुपए ही होगा क्योंकि इस कंपनी के ऊपर कोई इंटरेस्ट तो है नहीं सारा इक्विटी शेयर कैपिटल है तो होता क्या है यहां पर लिखा होता है जब इक्विटी शेयर होते हैं किसी कंपनी में तो वो ईबीआईटी की जगह पे लिखते हैं विफोर टैक्स प्रॉफिट वो विफोर टैक्स बेसिकली क्या माना जाएगा ये विफोर टैक्स ईबीआईटी ही है क्योंकि जब इंटरेस्ट नहीं है तो ईबीआईटी और ईबीटी सेम हो जाते हैं तो अब ये इस क्वेश्चन में सब जगह पे प्री टैक्स प्रॉफिट लिखता रहेगा लेकिन प्री टैक्स प्रॉफिट का मतलब हमारे लिए क्या रहेगा EBIT. क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कोई इंटरेस्ट है ही नहीं एग्जिस्टिंग तो ये हर चीज को ईबीआईटी की जगह प्री टैक्स बोलेगा कि प्री टैक्स टैक्स देने से पहले कितना कमा रहे हैं साठ लाख कमा रहे हैं ठीक है द कंपनी टू एटी तो ये शेयर हमारे लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पर और पचास से अस्सी रुपए के बीच में शेयर चलता रहता है शेयर का प्राइस तो रोज बदलता रहता है ना कभी कम हो गया कभी ज्यादा तो एक आइडिया दे रहे हैं ओके इस लाइन का पूरे क्वेश्चन में कोई काम नहीं है सिर्फ ऐसे ही बताने के लिए बता रहे हैं द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट फिफ्टी लैख अब इनको पचास लाख की जरूरत हो रही है ठीक है एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू ईल्ड अ प्री टैक्स इनकम ऑफ फोर्टी लैख और उस प्रोजेक्ट से हमें बिफोर टैक्स इनकम चालीस लाख आएगी तो अभी आपके पास इनकम कितनी आ रही है सिक्सटी लैख एक इन्वेस्टमेंट हम और करने वाले हैं पचास लाख का उससे हमारी प्री टैक्स इनकम चालीस लाख रुपए और आने लगेगी लाइन पूरी पड़ते हैं जरा द मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट विच विल कॉस्ट फिफ्टी लैख एंड विच इज एक्सपेक्टेड टू प्री टैक्स इनकम से हमारी चली रही है साठ लाख रुपए की बात कर रहा है लेकिन यहां पर लिखा रहे प्री टैक्स इनकम चालीस लाख आने लग जाएगी यानी टैक्स देने से पहले हम चालीस लाख कमाने लग जाएंगे तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन आता है बच्चा सोचता है ईबीटी बता, बता रहा है इक्विटी फर्म के अंदर अगर क्वेश्चन आपको प्रीटैक्स बोलता है तो वो ईबीआईटी के लिए इंडिकेशन है ठीक है जी अब करंट सिचुएशन को हम जरा डिफाइन करते हैं कि भाई अभी तक चल क्या रहा है अभी हमारे पास टेन लैख इक्विटी शेयर्स हैं ठीक है ये तो रहेंगे ही रहेंगे हंड्रेड लैख की फंडिंग हमारे पास है जो फिफ्टी लैख और एड होने वाली है हंड्रेड लैख की फंडिंग हमें नहीं करनी वो हो चुकी है दस लाख शेयर से एडिशनल पचास लाख की करनी है ईबीआईटी की अगर मैं बात करूं तो हमारा सिक्सटी ईबीआईटी अभी आ रहा था जो फोर्टी लैख और बढ़ने वाला है नए प्रोजेक्ट की वजह से तो ईबीआईटी वन हंड्रेड हो जाएगा आपका इन फ्यूचर ओके टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल द फॉलोइंग ऑप्शन आर अंडर कॉन्सिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट पहला ऑप्शन टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एंटायर एडिशनल अमाउंट सारा पैसा इक्विटी से मंगवा लो और शेयर इशू कर दो इट इज एक्सपेक्टेड दैट न्यू शेयर फेस वैल्यू रुपीज टेन कैन बी सोल्ड एट प्रीमियम प्रीमियम ऑफ के पे बिकेंगे यानी यानी का है 15 के प्रीमियम पर यानी 25 में इशू करेंगे अब बच्चे के दिमाग में ये बात आती है सर आपने कहा था एमपीएस लेना है तो इनका शेयर तो पचास से अस्सी के बीच में बिक रहा है हम एमपीएस तब लेते हैं जब क्वेश्चन हमें इशू प्राइस ना बताए ये तो क्लियर कट बता रहे हैं कि हम पच्चीस रुपए पे इशू करेंगे ठीक है भाई पच्चीस रुपए का एक शेयर इशू कर दो इनसे पचास लाख रुपए मंगवाने हैं दूसरा नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दो पूरी अमाउंट के लिए तीसरा पच्चीस लाख रुपए इक्विटी शेयर से मंगवा लो एंड बचे हुए पच्चीस लाख रुपए डिवेंचर से मंगवा लो इन दिस केस द कंपनी कैन इशू शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 40 ऐसी सिचुएशन चालीस रुपए के प्रीमियम पर इशू करेगी यानी दस रुपए फेस वैल्यू चालीस रुपए प्रीमियम यहां शेयर का प्राइस पचास रुपए रहेगा अब जरा देखिए टेन लैख ,00 शेयर है हमारे पास हंड्रेड लैख ,00 की कैपिटल है 60 ,00 हम कमा रहे हैं ओके अब हम फिफ्टी लैख ,00 का और प्रोजेक्ट में पैसे डाल रहे हैं तो वन फिफ्टी लैख का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जिससे फोर्टी लैख और आएंगे तो हमारा ईपीआईटी अब वन हंड्रेड लैक हो जाएगा ठीक है पहला केस है कि सारा का सारा पचास लाख रुपए जो और मंगवाना है वो इक्विटी शेयर से मंगवाओ और पच्चीस रुपए में इशू करो ओके दूसरा केस है सारा पैसा लोन से मंगवा लो पचास लाख रुपए जो मंगवाना है तीसरा केस है पच्चीस लाख इक्विटी से मंगवाओ पच्चीस लाख रुपए डेट से मंगवाओ और शेयर का प्राइस यहां पर चास रुपए रहेगा इश्यू करने का ठीक है यू आर रिक्वायर टू एडवाइज मैनेजमेंट एज टू हाउ द एडिशनल कैपिटल इट्स गुडविल द कंपनी पेइंग इनकम टैक्स फिफ्टी परसेंट आ जाइए बिल्कुल सिंपल बीक्यू फाइव स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर तीन ऑप्शन आ गए हमारे पास पर्टिकुलर्स ऑप्शन वन ऑप्शन टू ऑप्शन थ्री ओके ईबीआईटी सिक्सटी लेख प्लस फोर्टी लैख प्री टेक्स को ईबीटी में समझ लेना वन हंड्रेड लेख हो गया ओके लेस इंटरेस्ट इंटरेस्ट है केस बी में और सी में सिक्सटीन परसेंट है दोनों केस में एक केस में पूरा पचास लाख लोन से मंगवा रहे हैं दूसरे में पच्चीस लाख लोन से मंगवा रहे हैं पहले केस में पैसा इक्विटी से आ रहा है तो फिफ्टी लैख मल्टीप्लाई विथ सिक्सटीन परसेंट एट लैख का इंटरेस्ट यहां देना पड़ेगा पूरे पचास लाख लोन पर मंगवाएंगे यहां फोर लैख देना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव लैख लोन पर मंगवाएंगे ओके जी अर्निंग बिफोर टैक्स यहां वन सी आर यहां पर 92 टू लैख यहां पर नाइन्टी सिक्स लैख लेस टैक्स एट फिफ्टी परसेंट और ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स पचास लाख रुपए का टैक्स चला गया पचास लाख बच गए फोर्टी सिक्स लैख का टैक्स गया फोर्टी सिक्स लैख यहां पर आपके बच गए यहां फोर्टी एट लैख का टैक्स गया और फोर्टी एट लैख आपके बच गए ओके okay. डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर प्रिफरेंस शेयर का कोई गेम ही नहीं है एग्जिस्टिंग शेयर तो रहेंगे ही रहेंगे जो टेन लैक हैं। न्यू शेयर और इशू होंगे और यहां पर आपका आ जाएगा ईपीएस अर्निंग पर शेयर शेयर हमारे पास टेन लैख शेयर हमारे पास पहले से हैं प्लस जो टेन लेख पहले से हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है केस नंबर बी में हम सारा पैसा लोन से मंगवा रहे हैं कोई नया शेयर इशू नहीं होगा टेन लैख शेयर है जी ओके केस नंबर वन में हम पूरे पचास लाख इक्विटी शेयर से मंगवा रहे हैं कितने मंगवा रहे हो पचास लाख रुपए शेयर कितने में इशू कर रहे हो पच्चीस रुपए में यहां पर पच्चीस लाख रुपए मंगवा रहे हो और शेयर इशू कर रहे हो पचास रुपए में पहले वाले केस में पंद्रह रुपए प्रीमियम है दस रुपए फेस वैल्यू पंद्रह प्रीमियम पच्चीस का इशू हुआ लास्ट वाले केस में चालीस रुपए का प्रीमियम है टेन रुपीज फेस वैल्यू फोर्टी का प्रीमियम फिफ्टी रुपीज में इशू हुआ तो आपके पास फिफ्टी लैख डिटी फाइव दो लाख शेयर हो गए तो दस पहले से हैं दो और हो गए बारह लाख शेयर हो गए टोटल और लास्ट वाले केस में पच्चीस लाख रुपए पचास रुपए का इशू किया पचास हजार शेयर तो टेन लैख पहले से हैं पचास हजार शेयर और आ गए टेन लैख फिफ्टी थाउजेंड 50 लाख डिवाइड बाई 12 लाख शेयर्स एक शेयर पर 4.166 तो 17 कर रहा हूं 46 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 4.6 और लास्ट केस में आ गया 48 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 50,000 4.5714 तो 4.57 ठीक है किस केस में सबसे ज्यादा आपका ईपीएस आ रहा है तो 4.6 हाईएस्ट है Company should select alternative to having highest earning per share. Okay. Done. क्लियर है आप लोगों को तो जैसे हम लोगों ने देखा कि दो तरीके की कंपनी मिल रही है हमें एक तो हमें नई कंपनी मिल रही है तो नई कंपनी तो बड़ी आसान सी थी नई कंपनी का मैंने आपको एग्जाम्पल भी करवाया था तो यहां पर जब हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था तो मैंने एग्जाम्पल पे लिखा था इन केस ऑफ न्यू बिजनेस न्यू कंपनी यानी पुराना कुछ नहीं था फिर हमने दो क्वेश्चन देखे जिनमें पहले से भी इक्विटी शेयर कैपिटल इनके पास है तो अब कुछ कंपनियां ऐसी हो सकती हैं जिनके पास जो रनिंग कंपनियां उनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है लोन है और चीजें हैं और वो फिर फर्दर एक्सटेंड करने के लिए पैसा मंगवा रही हैं जैसे हमारे पास दस ब्रांच खुली हुई हैं हमें दो ब्रांच और खोलनी है तो उनके लिए पैसा चाहिए तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं हमारा कंसेप्ट नंबर चल रहा था फाइव और हम लोगों ने फाइव के बाद बंद कर दिया था ना सिक्स के बाद ठीक है तो अब हमारे कंसेप्ट चलेगा तो हम इसको यहां पर ऐसे बंद कर देते हैं क्योंकि वो कंसेप्ट चालू होगा तो इससे ना आपको कंसेप्ट अलग दिखते रहेंगे बिल्कुल कि यहां क्वेश्चन चल रहे हैं यहां कंसेप्ट चल रहे हैं सेवेंथ एग्जाम्पल केस ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस और कंपनी ओके वैसे तो आपको क्लियर ही है कि जो एग्जिस्टिंग है वो तो रहेगा ही नया वाला ऐड हो जाएगा पर फिर भी एक एग्जाम्पल लेते ले 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 हैं जिसमें लोन वगैरह सब कुछ एग्जिस्टिंग हो तो हम ले रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है मान लेते हैं पचास लाख रुपए की फेस वैल्यू रुपीज टेन ओके हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है उन्हीं के होते हैं रिजर्व टेन लेख ,00 के हमारे पास रिजर्व भी हैं ये कहां शो हो रहे होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व प्रिफरेंस शेयर डेट ये सब शो होते हैं हमारे लाइबिलिटी साइड में और इनका जो सारा पैसा होता है वो एसेट साइड में हमें इन्वेस्टेड दिखता है हमारे पास टेन परसेंट डेट भी है और प्रिफरेंस शेयर भी ले लेता हूं हमारे पास फोर्टीन परसेंट प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी है ठीक है जी टेन परसेंट डेट ले लेता हूँ ये सिक्सटी हुए ना थर्टी लाख के और दस लाख रुपए के प्रीफरेंस शेयर तो यानी हमारे पास बिजनेस में ओवरऑल एक करोड़ रुपए की फंडिंग आई हुई है अभी CR. इसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड के कितना पैसा कितनी कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है ओके एग्जिस्टिंग ईबीआईटी जो है इनका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी हम ले लेते हैं जैसे थर्टी परसेंट ले, ले लेते हैं थर्टी परसेंट तो थर्टी परसेंट हो गया वन करोड़ का थर्टी लाख इसकी जगह क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थर्टी परसेंट है हमारी ओके तो एक करोड़ रुपए लगे हुए हैं उस पर थर्टी परसेंट थर्टी लैख का हमारा ई आ रहा है टैक्स रेट एज फिफ्टी परसेंट पचास परसेंट टैक्स रेट है अब ये हमारी अभी की सिचुएशन चल रही है एक करोड़ रुपए हमारे पास है और इक्विटी शेयर कैपिटल से जो मंगवाया पचास लाख वो आ गए इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड नहीं बांटा होगा पिछले सालों में जिसकी वजह से रिजर्व भी इकट्ठा हो गया दस लाख रुपए वो भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है हमने डिविडेंड नहीं दिया उनको थर्टी लैख आपके आ गए डेट से और फोर्टीन परसेंट आपके प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हो गई ठीक है ये एग्जिस्टिंग है और हम अभी थर्टी लैख हैं टैक्स रेट फिफ्टी चल रहा है अब हमारे पास कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट आई है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड आइए हमारे पास हमें बीस लाख रुपए की जरूरत है क्या भाई बीस लाख रुपए और चाहिए इसके लिए क्वेश्चन हमें कह रहा है वी हैव टू ऑप्शन रेज रुपीज ट्वेंटी लैख ट्वेंटी लैख रेज करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन बोल दिए ऑप्शन वन ऑप्शन टू एक केस है कि हम पैसा डेट से मंगवा लेते हैं और एक केस हम ले लेते हैं कि प्रीफरेंस शेयर से मंगवा लेते हैं दो केस ले लेते हैं तो जो पुराने डेट थे वो टेन परसेंट पे थे तो जरूरी नहीं है नया डेट टेन परसेंट पे मिले जब हमने पहले डेट रेज किया था तब रेट टेन परसेंट चल रहा था अब मार्केट में कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ऐसी ऐसे प्रीफरेंस का भी रेट आज की डेट में अगर इशू करोगे तो प्रिफरेंस का रेट बढ़ा हुआ भी हो सकता है और कम भी तो जो एडिशनल फंड है वो मैं मान लेता हूं टेन परसेंट डेट था तो अब ट्वेल्व परसेंट पे डेट ले सकते हो आप ट्वेंटी लाख का ओके और दूसरा ले लेता हूं कि आप फिफ्टीन परसेंट पर प्रिफरेंस शेयर कैपिटल भी इशू कर सकते हो ये दो ऑप्शन ले लिए मैंने कुछ ही ले सकते हैं तीन चार भी बना सकते हैं ट्वेंटी अर्निंग पर शेयर सॉल्यूशन इसे नोट कर लीजिए फिर बताता हूं मैं आपको आगे एकदम चैंपियन बना देंगे आपको बिल्कुल बेफिकर होकर आराम से करिए चैंप बना के घर भेजेंगे आपको जी अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो पीछे जो क्वेश्चन थे उसने तो कह दिया था साठ लाख अभी कमा रहे हैं चालीस लाख और कमाएंगे यह हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी कितना होगा इसमें आप देखो मैंने एग्जिस्टिंग ईबीआईटी तो बताया है एक्सपेक्टेड नहीं बताया तो हमारी क्या एजम्पन रहती है कि हमने देखो ये हमारा बिजनेस है हमने ब्रांचें खोल रखी हैं इसमें हमारी फंडिंग है वन करोड़ की और उन ब्रांचों से हमारे पास रिटर्न है 30%. अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है वो कह थर्टी तो तो परसेंट कमा रहे थे और क्वेश्चन साइलेंट है तो एडिशनल बीस लाख से भी थर्टी परसेंट कमाएंगे तो हमारी एजम्शन हमेशा ये रहेगी अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि फ्यूचर में EBIT कितना होगा जितना ईबीआईटी परसेंटेज में हम कमा रहे हैं परसेंटेज में ध्यान रखना कि थर्टी परसेंट कमा रहे हैं तो आगे भी थर्टी परसेंट तो कमाएंगे ही कमाएंगे यानी आगे वन करोड़ पे तो थर्टी परसेंट ही रहा है जो बीस लाख हम एडिशनल फंड्स हैं उन पर भी थर्टी परसेंट आएगा ही आएगा तो हमारी एडमिशन रहेगी नोट इन द दबसेंस ऑफ एक्सपेक्टेड ई बी आई टी इट इज एज्यूम दैट आर वाई विल रिमेन सेम दैट इज थर्टी परसेंट अब बच्चा कहेगा सर आपने तो आर वाई सेम मानी है थर्टी परसेंट तो इसका मतलब तीस लाख रुपए कमाएंगे नहीं नहीं आर ओवाई सेम मानने का मतलब है पहले एक करोड़ रुपया लगा था थर्थी परसेंट थर्टी लैख कमा रहे थे अब वन करोड़ वन टू करोड़ लगेगा तो भी थर्टी परसेंट कमाएंगे तो थर्टी सिक्स लैख कमाने लग जाएंगे तो आर ओ हम ये मानेंगे जितना अभी कमा रहे हैं उतना तो कम से कम आगे भी परसेंटेज में हम कमाते ही रहेंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो जैसे मैंने इसको जानबूझ के साइलेंट रखा है अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग पर शेयर दो केस लिए मैंने पर्टिकुलर्स ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव ईबीआईटी अब हम थर्टी परसेंट कमाएंगे 1.2 पर तो 36 लाख हो गया पहले 30 लाख कमा रहे थे अब 36 कमाएंगे भाई बिजनेस में पैसा डाल रहे हो तो कमाई भी तो बढ़नी चाहिए तो यही लेंगे हम या तो खुद बताओ भाई कितनी कमाई होगी 36 लाख अब बिजनेस में एक करोड़ बीस लाख रुपए लग गए वन करोड़ ट्वेंटी लाख बिजनेस में लग गए एक करोड़ पहले से लगे हुए हैं बीस लाख रुपए और आ गए अब जब हम यहां पर इंटरेस्ट देंगे आप लोग जरा मुझे बताइए आराम से सोचना मैंने भी पेन रख दिया आप लोग भी पेन रख दो तो अब आप लोगों को मुझे बताना है कि इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा यहां पर देखो बीस लाख रुपए हम लोन पे मंगवा रहे हैं तो भाई टोटल फंडिंग कितनी है टोटल फंडिंग है वन करोड़ ट्वेंटी लाख तो मैं आपको बता दूं ये जो नए बीस लाख इस इसपे तो इंटरेस्ट जाएगा ऑप्शन वन में ऑप्शन टू पे इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा ठीक है ये क्लियर है बिल्कुल साथ के साथ जो आपका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उस पर भी इंटरेस्ट जाएगा देखो आप ये बीस लाख रुपए मत भी मंगवाओ मान लो हम एक्सपेंशन नहीं कर रहे थे हम कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे ठीक है।, है अब मुझे बताओ आप कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे तब भी आपका बिजनेस चल रहा है एक करोड़ रुपए की फंडिंग है आपकी मुझे बताओ अब भी आपको तीन लाख रुपए तो इंटरेस्ट देना ही देना है यानी अगर मैं एक्सपेंशन नहीं भी करूंगा तो भी तीन लाख रुपए का इंटरेस्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा थर्टी लाख का लोन मैंने लिया हुआ है अब अगर मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूं बीस लाख रुपए और मंगवा रहा हूं लोन पर तो मुझे थर्टी एग्जिस्टिंग है उस पर तो इंटरेस्ट देना ही देना है प्लस ये जो नया लोन है इस इसपे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस जो होता है उसके अंदर जो भी एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स हैं उनपे तो पे करना ही करना है इसका एक और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं आराम से देखो आपने एक मकान लिया एक करोड़ का मकान है इस पर एक करोड़ का लोन ले लिया आपने ठीक है जी लोन ले लिया और दस परसेंट का रेट है इसका मतलब दस लाख रुपए का इंटरेस्ट आप दे रहे हो अब इस मकान के साथ में एक आप गाड़ी भी लेकर आ गए गाड़ी कैसी चलो ये गाड़ी बन गई जो भी ठेला सा लग रहा है वैसे तो ये पर कोई बात नहीं आप एक कार और ले आए ये तो ठीक हो गई कार बन गई हाँ एक कार और आप लेकर आ रहे हो बीस लाख रुपए की और ये भी आपने बैंक से लोन पे ले ली ट्वेल्व परसेंट पर अब मुझे बताइए टू पॉइंट फोर लैख का इंटरेस्ट तो गाड़ी का देना है लेकिन हाउस का भी तो इंटरेस्ट चलता ही रहेगा वो थोड़ी खत्म हो जाएगा तो मकान पे लोन है उसका इंटरेस्ट तो गाड़ी खरीदी है उस पर भी लोन ले रहे हो उसका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा दोनों का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लोन होते हैं उनका इंटरेस्ट आपको देना ही देना है तो बच्चे इसमें कर, कहते हैं सर हम क्यों इंटरेस्ट दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि भाई आपने पहले से लिया हुआ है जब तक उस थर्टी लैख के लोन को आप रीपे नहीं कर देते तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो यहां पर इंटरेस्ट आएंगे दो एक तो एग्जिस्टिंग और एक न्यू एग्जिस्टिंग वाला है एट द रेट ऑफ टेन परसेंट और नए वाला है एट द रेट ऑफ ट्वेल्व परसेंट टेन परसेंट ऑफ थर्टी लैख ट्वेंटी लैख यहां भी मैं अमाउंट नहीं लिख रहा एक साथ लिखूंगा इकट्ठा के बाद में आप दोगे टैक्स फिफ्टी परसेंट टैक्स रखा है हमने टी आ जाएगा ई ए टी के बाद दोगे आप प्रिफ्रेंस डिविडेंड यहां भी सेम कंसेप्ट रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रीफरेंस शेयर हैं, उन्हें भी देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग प्रीफरेंस शेयर हैं फोर्टीन परसेंट दस लाख और जो नए प्रीफरेंस शेयर आप इश्यू करने की सोच रहे हो उन्हें भी पैसा ट्वेंटी लाख अगर उनसे मंगवाते हो उन्हें भी देना पड़ेगा ठीक है फिर हमारे पास आएगी अर्निंग फॉर इक्विटी अर्निंग फॉर इक्विटी को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर के अंदर भी जो एग्जिस्टिंग शेयर हैं वो भी आएंगे कोई नया शेयर इशू कर रहे हो तो वो भी आएगा और फिर हमारे पास आएगा ई पी एस इतना आप नोट करिए ऐसे ये लो मैं थोड़ा वो कर देता हूं ये नोट करिए आप <coughs> फिर इसमें फिगर्स मैं भरूंगा आप देखेंगे ठीक है आ जाइए अब आराम से मेरी बात सुनना लिखना मत पहले सुन लो देखो ध्यान से देखो हंड्रेड लैख हमारे पास पहले से है जिसमें हमारे पास टेन परसेंट का डेट थर्टी लैख का है तो इसका मतलब थ्री लैख का इंटरेस्ट तो हमें देना ही देना है ओके जी थ्री लैख का इंटरेस्ट वो तो जाएगा ही जाएगा आप लोग मत लिखना पूरा समझ में आएगा एक साथ अच्छा हमारे पास शेयर कैपिटल फोर्टीन परसेंट के रेट से टेन लैख ,00 की है तो वन तो जाएगा ही जाएगा वन फोर्टी ठीक है इक्विटी शेयर हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने एग्जिस्टिंग है हमारे पास दस रुपए की फेस वैल्यू फिफ्टी लैख ,00 हैं तो पांच लाख ,00 इक्विटी शेयर्स तो हमारे पास एग्जिस्टिंग है वो तो रहेंगे ही रहेंगे ठीक है पांच लाख शेयर तो है ही है अब जरा देखिए तो हमारे पास जो वन करोड़ ट्वेंटी लैख है इसमें जो वन करोड़ है उसमें जो लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसमें जो प्रीफरेंस डिविडेंट है शेयर हैं उनको डिविडेंट देना पड़ेगा उसके अंदर जो इक्विटी शेयर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे अब मुद्दा आता है कि ये जो बीस लाख रुपए और मंगवाए हैं इसका क्या करना है अब जरा देखिए पहले केस में आपने 20 लाख रुपए मंगवाए हैं लोन पर तो पहले केस में 20 लाख का 12 परसेंट टू लेख फोर्टी थाउजेंड का इंटरेस्ट और जाएगा लेकिन सेकंड ऑप्शन में पैसा प्रीफरेंस से मंगवाया तो यहां पर नया इंटरेस्ट कुछ भी नहीं तो पुराना इंटरेस्ट दोनों केस में जाएगा लेकिन बीस लाख रुपए जो नए मंगवा रहे हैं उसका इंटरेस्ट सिर्फ केस वन में जाएगा ऐसे ही सेकेंड केस में आपने प्रीफरेंस शेयर से बीस लाख रुपए मंगवाए हैं तो उस बीस लाख रुपए पर बीस लाख मंगवाए हां ठीक है तीन लाख रुपए का डिविडेंड आपका जाएगा केस वन में नहीं जाएगा रीजन केस वन में आपने पैसा प्रिफरेंस शेयर से नहीं मंगवाया अब देखो क्या हो रहा है पहले केस में इंटरेस्ट बढ़ गया दूसरे केस में डिविडेंड बढ़ गया ठीक है पहले केस में इंटरेस्ट एडिशनल बीस लाख पर जा रहा है पुराना तो जाएगा ही जाएगा सेकंड केस में इंटरेस्ट बस पुराने पे जाएगा नया नहीं जाएगा जो पुराने कमिटमेंट है उन पे तो देना ही पड़ेगा ऐसे ही फर्स्ट केस में नया डिविडेंड कुछ नहीं जाएगा प्रीफरेंस को पुराना तो देना ही है वो तो एक करोड़ जो आपने ले रखा है आपने घर का लोन ले रखा है उसका तो जाना ही जाना है सेकेंड वाले केस में प्रीफरेंस शेयर क्योंकि और इशू कर दिए तो पुराने पे तो डिविडेंड देना ही देना है नए बीस लाख रुपए पे जो आपने प्रीफरेंस शेयर इशू किए उन पे भी डिविडेंड देना पड़ेगा अब आ जाते हैं इक्विटी शेयर पर आपके पास पुराने शेयर हैं पांच लाख क्या आपने कोई नया शेयर इशू किया ऑप्शन वन में नहीं क्या आपने ऑप्शन टू में कोई नया शेयर इशू किया है नहीं अगर मैं इसी में एक प्लान नंबर थ्री और बना दूं जिसमें मैं कह दूं कि बीस लाख रुपए हम इक्विटी शेयर से मंगवा रहे हैं और दस रुपए फेस वैल्यू है तो दो लाख शेयर केस नंबर थ्री में और बढ़ जाएंगे यानी पुराने फाइव लैख शेयर तो रहेंगे ही रहेंगे टू लैख शेयर और बढ़ जाएंगे तो हमें क्या करना है जो पुराने कमिटमेंट्स हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे नए कमिटमेंट्स पर एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी अब आप नोट कर सकते हैं यहां से साथ में तो ई बी आई टी थर्टी सिक्स लैख हो गया हमारा, का। जो एक्जिस्टिंग लोन चल रहा है उस पर थ्री लैख तो जाए जाएगा ही जाएगा नए बीस लाख लोन से मंगवाए हैं तो वो केस नंबर वन में जाएंगे क्योंकि केस नंबर टू में पैसा लोन पर नहीं मंगवा रहे बीस लाख रुपए वाला ओके तो हमारे पास थर्टी सिक्स लैख माइनस थ्री लैख माइनस टू फोर्टी Thirty lakh sixty thousand, fifteen lakh thirty thousand, fifteen lakh thirty thousand, thirty-three lakh, sixteen lakh fifty thousand, sixteen lakh fifty thousand, thirteen lakh ninety thousand. अच्छा कहीं पे कुछ भी आपको लगता है ना जैसे कुछ नोटिंग से रह गए हैं कुछ भी, भी कोई मान लो कभी कोई बात समझ रहे हो और कोई चीज नोटिंग में छूट गए क्या समझ लेते हैं तो आप पोज करके भी उसको नोट कर सकते हो पॉज करके अगर आप नोट डाउन करते हो उसमें टाइम कैलकुलेट नहीं होता उसमें आपके व्यू टाइम कुछ कैलकुलेट नहीं होता पॉज करो अपना आराम से नोट कर लो ऐसा कर सकते हो आप वैसे तो मैं इस स्पीड से चलता हूँ कि आप साथ के साथ लिख ही लेते हो मैं आप लोगों से बहुत धीमा हूँ मैं लिखने में स्पीड में बहुत स्लो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्पीड में वीडियो को देखें। वीडियो को को से से देखें बिल्कुल आराम नोट कर रहे हो आप स्पीड में देख के क्या करोगे मैं इतने प्यार से बोल रहा हूँ इतने प्यार से आपको समझा रहा हूँ स्पीड में क्या हाँ बड़े 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 ऐसे ऐसा मिलता हुआ कुछ अच्छा लगता है मास्टर ऐसे मतलब पूरा बड़बड़ बड़बड़ बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा बस भगे जा रहे भगे जा रहे कहाँ जाओगे भगा के आराम से पढ़ाई करो आराम से पेपर दो वैसे ही फास्ट चेक बैच है शॉर्ट टाइम में ख़त्म हो जाता है इतनी कवरेज कर रहे हैं इस तरीके का कोई फास्ट चेक नहीं है पूरे मार्केट में ऐसी कवरेज कोई नहीं करवाता जो हम लोग करवाते हैं बल्कि YouTube पे हमारा रिवीजन आता है लास्ट में एग्जाम से एक दो महीने पहले आ जाता है, बूस्टर बैच के नाम से. हम बूस्टर बैच में इतना ही नहीं है तो ये बैच चल रहा है तो आराम से वीडियो देखिए निश्चिंत होकर पढ़िए इन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आएगा आप सेफ हैं बिल्कुल हा जी तो नंबर ऑफ शेयर यहां पर हो गए फाइव लैक यहां पर भी फाइव लैक कोई नया शेयर इशू नहीं हुआ थर्टीन नाइनटी डिवाइड बाई फाइव लैख रुपीज टू पॉइंट सेवन एट ट्वेल्व टेन डिवाइड बाई फाइव लैख रुपीज टू पॉइंट फोर टू ओके तो ऑप्शन वन हमें सेलेक्ट कर लेना चाहिए सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव वन हैविंग हाइएस्ट या हायर ई पी एस ओके okay, ये कंसेप्ट खत्म एग्जिस्टिंग कंपनी का एग्जाम्पल हमने देख लिया अब हमारे पास बहुत ही फेमस दो क्वेश्चन है बीक्यू सिक्स एंड बीक्यू सेवन उसके बाद आज की क्लास हमारी एंड हो जाएगी बी क्यू सिक्स और बी क्यू सेवन दो क्वेश्चन हमें देखने उसके बाद क्लास का दी एंड हो जाएगा आज का आ जाइए बी क्यू सिक्स आराम से पढ़ेंगे फिर होमवर्क भी दूंगा बच्चे कहते हैं सर सारे क्वेश्चन खुद करवा रहे हो, होमवर्क नहीं करेंगे ये हमारा ईबीआईटी टू लेकिन थाउजेंड है ओके डिवेंचर इंटरेस्ट टेन परसेंट जा रहा है चालीस हजार रुपए तो ये क्या करते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट लिख के दे देते हैं देखो हमारे डिवेंचर रहे होंगे चार लाख रुपए के उस पर टेन परसेंट इंटरेस्ट हमने चालीस हजार रुपए दिया होगा अब बताइए इसी तरह से इंटरेस्ट निकालते हैं अब अगर चालीस हजार रुपए हैं और टेन परसेंट रेट है और, और मान लो मेरे को डिवेंचर नहीं बताया तो क्या मैं डिवेंचर निकाल सकता हूं बिल्कुल फोर्टी थाउजेंड इंटरेस्ट दे रहे हैं दस परसेंट के रेट से इसका मतलब डिवेंचर चार लाख रुपए के होंगे ओके तो अगर क्वेश्चन हमें डिवेंचर दे देता है रेट दे देता है तो हम उससे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं और अगर इंटरेस्ट की अमाउंट दे देता है और रेट दे देता है तो उससे डिवेंचर निकल जाते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स टू है इनकम टैक्स फिफ्टी से जा रहा है वन ट्वेंटी ई आ गया नंबर ऑफ शेयर थर्टी थाउजेंड है दस रुपए का एक है अर्निंग पर शेयर चार रुपए आ रही है हमारी पी रेशो हमारा टेन है ठीक है तो पी रेशो अगर आपका टेन है तो आपका एमपीएस अभी चालीस रुपए चल रहा होगा क्योंकि ईपीएस और पी रेशो को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आ जाता है ठीक है द कंपनी हैज रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ सेवन लैक सेवन लैक के इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है एंड रिक्वायर्ड फोर लैख फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन इन्हें चार लाख रुपए की जरूरत है तो जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है इनकी वो चार लाख रुपए है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉन्स्टेंट है यह इन्होंने बता दिया इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि अभी भी टू एट्टी कमा रहे हैं तो कल भी टू एट्टी कमाएंगे जी नहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जो भी रेट से कमा रहे हैं जितने भी रेट से हम कमा रहे हैं अभी उसी रेट से आगे भी कमाएंगे यानी अगर आज हम बीस परसेंट कमा रहे हैं तो चार लाख रुपए आने के बाद में उस चार लाख पर भी बीस परसेंट कमाएंगे ओवरऑल रिटर्न हमारी बीस परसेंट ही रहेगी तो इसमें हमें यहां पर रुकना होता है सबसे पहले और हमें देखना होता है इस क्वेश्चन में ना आपको सीधे ईबीआईटी दे दिया इन्होंने आपको यह नहीं बताया इनके पास कितना कैपिटल स्ट्रक्चर इस टाइम पर है तो पहले हमें एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर और एग्जिस्टिंग निकालना होता है तो चार लाख रुपए हमें एडिशनल चाहिए एग्जिस्टिंग सिनेरियो क्या है पहले हमें वो देखना होगा ये बिल्कुल फिक्स टाइप का क्वेश्चन है देखकर आपको समझ में आएगा इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे वर्किंग नोट बनाएंगे वर्किंग नोट में सबसे पहले आप निकालेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड को आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं तो जितना भी लॉन्ग टर्म का पैसा है वो यहां पर हम दिखा देते हैं तो एक तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन ने बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए बीक्यू अच्छा ठीक है हाँ हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है थर्टी थाउजेंड शेयर्स दस रुपए का एक तीन लाख रुपए ठीक है क्वेश्चन ने हमें कहा कि हमारे पास रिजर्व्स है सेवन लैख के ओके अच्छा मैं आपको बता दूं ये होता क्या है बेसिकली जैसे बैलेंस शीट है हमारी ये लाइवलिटीज ये एसेट्स हमारे पास शेयर कैपिटल हमने इशू की थ्री लैख की वो पैसा सामने बैंक में गया फिर बैंक से वो एसेट परचेज कर लेते हैं हम तो हमने फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स ये सब में पैसा लगा देते हैं वर्किंग कैपिटल में सब चीजों में फिर हमने डिविडेंट रोका डिविडेंड जैसी रोकते हो वो रिजर्व के नाम से क्रिएट हो जाता है ट्रांसफर टू रिजर्व सात लाख का हम डिविडेंड अभी तक रोक चुके हैं वो भी यहां पर कैश में आ चुका होता है उससे भी हमने एसेट्स खरीद ली होती है फिर कोई डेट से अगर हम पैसा मंगवाते हैं मान लो हमने डेट से मंगवाई यहां पर फोर लैख तो वो फोर लैख और बैंक में आ गए उससे भी हमने एसेट खरीद ली होगी अब ये कह रहे हैं कि चार लाख रुपए की और फर्दर फंडिंग आएगी तो वो भी बैंक में पहुंचेगा और उससे भी हम एसेट्स खरीद लेंगे तो इस तरह से पैसा हमारा घूमता रहता है तो रिजर्व है हमारे पास सेवन लैख के एक हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम डिवेंचर्स को इंटरेस्ट दे रहे हैं फोर्टी थाउजेंड 10% इंटरेस्ट है तो लोन कितना है आपके पास डिबेंचर 40000 का इंटरेस्ट दे रहे हो 10% से इसका मतलब 4 लाख के आपके पास डेट हुई है क्या प्रेफरेंस शेयर्स भी है हमारे पास तो अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद सीधे नंबर ऑफ शेयर है यानी हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है ये हमारे पास हो गया एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो बिजनेस में अभी हमारा 14 लाख लगा हुआ है थ्री लैख इक्विटी शेयर कैपिटल की फॉर्म में बाकी रिजर्व की फॉर्म में और फोर लैख के डिवेंचर है हमारा एक्जिस्टिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर बोलते हैं इसको वो कितना आ रहा है तो अगर आप देखेंगे आपका एग्जिस्टिंग ई बी आई टी टू लैख एटी थाउजेंड है अभी हम टू एटी कमा रहे हैं टू लैख एटी थाउजेंड हमारा ई बी आई टी है और फोर्टीन लाख रुपीज हमारे पास इन्वेस्टेड हैं बिजनेस में इसका मतलब हम ट्वेंटी परसेंट की आरओ पर हैं यानी हम बिजनेस में ट्वेंटी परसेंट कमा रहे हैं ओके इसको ऐसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन ने कहा है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉन्स्टेंट है तो अब हमारी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 परसेंट है तो ट्वेंटी परसेंट ही रहेगी वो चेंज नहीं होगी ओके अब पढ़ते हैं आगे कहानी यहां तक की पहले बात बतानी जरूरी थी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कॉन्स्टेंट वो ट्वेंटी परसेंट हमने निकाल लिया करें डेट रेशो हायर देन फोर्टी परसेंट विल ब्रिंग द पी रेशो डाउन टू एट एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट To 12%. कह रहे हैं अगर आपका डेट रेशो चालीस परसेंट से ऊपर चला गया तो पी रेशो एट हो जाएगा वैसे पी रेशो आपका चल रहा है एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट ट्वेल्वेंट और जो नया लोन लोगे लोगे आप एडिशनल डेट वो 12 पे आपको मिलेगा अब डेट रेशो होता क्या है तो क्वेश्चन खुद बताएगा आपको डेट रेशो में लिखा हुआ है ब्रैकेट में डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी तो ये जो इक्विटी होता है इस इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस इक्विटी रिजर्वेंट शेयर होल्डर्स के ही होते हैं, हिस्सा माने जाते हैं। तो कहीं पे भी रेशो में अगर होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ रिजर्वेंट भी आएंगे ही आएंगे। ही बाकी ये चीजें चैप्टर में आएंगी। पर जहां, जहां जो रेशो दिखेगा मैं बताता चलूंगा आपको ओके। आगे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू एसरटेन द प्रोबेबल प्राइस ऑन अभी तक ईपीएस पूछ रहे थे अब शेयर का प्राइस पूछ रहे हैं फ द एडिशनल कैपिटल आर रेज एट डेट अगर आप चार लाख रुपए डेट से मंगवाते हो तो इफ एमाउंट इज रेज बाई इशूंगी शेयर एट रूलिंग मार्केट प्राइस तो रूलिंग मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है चार रुपए का ईपीएस है पी रेशो है टेन तो रूलिंग मार्केट प्राइस हो गया चालीस रुपए तो अगर हम चालीस रुपए में शेयर इशू करते हैं तो फिर क्या होगा तो इन्होंने दो हमें प्लान दे दिया ये क्वेश्चन समझने वाला ही है आराम से समझ में आएगा इसका कॉपी पेस्ट एक और इसके बाद छठा और सातवा कॉपी पेस्ट है इसीलिए दो रखे हैं तो सी रूलिंग मार्केट प्राइस इक्व टू ईपीएस मल्टीप्लाई बाई पी रेशो ईपीएस है हमारे पास क्वेश्चन में चार रुपए दिया हुआ है पी रेशो टाइम दिया हुआ है फोर्टी रुपीज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर हो गया ओके okay. अब हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन ने एक कंडीशन लगा दी है क्वेश्चन ने कहा है कि अगर डेट रेशो 40 परसेंट से ऊपर चला गया तो हमारे पास पी रेशो एट हो जाएगा और हमारा जो डेट का रेट है एडिशनल डेट अगर हम पैसा लोन पे मंगवाते हैं वो ट्वेल्व परसेंट हो जाएगा तो क्वेश्चन ने हमें दो सिचुएशन दी है पहली सिचुएशन दी है अगर आप पैसा लोन पे मंगवाते हो तब क्या होगा और दूसरा आप अगर पैसा इक्विटी से मंगवाते हो तब क्या होगा ठीक है तो हमें अब निकालना पड़ेगा डेट रेशो इफ फंड्स रेज थ्रू डेट मैं यहां पर लिख रहा हूं डेट रेशो इक्व टू डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी इक्विटी का मतलब मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं ऑलवेज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों आएंगे उसमें ठीक है अब डेट रेशियो हमें निकालना है मैं एक एक फिगर लिखूंगा मुझे बताइए आपके पास अगर आप डेट से पैसा मंगवाते हो तो कितना लोन हो जाएगा देखो चार लाख रुपए का लोन तो आपके पास अभी है चार लाख रुपए और मंगवाने हैं तो आपके पास टोटल लोन एट लैख का हो जाएगा तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डेट में फोर लैख और ब्रैकेट में एक एक चीज मेंशन कर रहा हूं जिससे आप भूले ना रिविजन में एग्जिस्टिंग है प्लस फोर लैख के डेट आपके न्यू हो जाएंगे ठीक है डिवाइडेड बाई ऊपर डेट लिख लिया मैंने एट लैख आ गया ऊपर डिनोमिनेटर में डेट और इक्विटी दोनों लेना है तो डेट कितना हो गया एट लाख डेट हो गया आपका टोटल ऊपर मेंशन किया हुआ है, कैसे आया प्लस इक्विटी जोड़ना है तो इक्विटी में क्या आएगा थ्री लैख इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सेवन लैख रिजर्व ये आपके इक्विटी फंड हो गए रिजर्व तो हमारे पास न्यूमरेटर में हो गया एट लैख डिनोमिनेटर में हो गया एटीन लैख मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो एट लैख डिवाइडेड बाई एटीन लैख 44.44 परसेंट .44 ये रेशो हमारा निकल कर आया ऊपर डेट नीचे डेट प्लस क्वेश्चन ने क्या कहा था क्वेश्चन ने बोला था आपको कि अगर डेट रेशो हायर हो गया 40 परसेंट से तो पी रेशो एट हो जाएगा और जो एडिशनल डेट मंगवाने की सोच रहे वो 12 परसेंट पे मिलेगा तो यहां पर 8H हायर देन फोर्टी परसेंट अगर यह फोर्टी परसेंट से ऊपर चला गया है अब हमारे पास क्या होगा टी रेशो -E इस केस में विल बी एट टाइम्स एंड रेट ऑफ न्यू डेट ट्वेल्व परसेंट यह हमारे सामने सिचुएशन आने वाली है ओके okay. तो हमने डेट रेशियो निकाला अगर हम पैसा डेट से मंगवाते हैं तो अब ई डेट रेशो इफ फंड्स आर रेज थ्रू इक्विटी डेट रेशो इक्वस टू ऊपर हमें डेट रखने हैं फोर लाख के हमारे आ गए एग्जिस्टिंग डेट और डिनोमिनेटर में हमें डेट प्लस इक्विटी रखना है फोर लाख का डेट आ गया हमारे पास प्लस इक्विटी हमारे पास दस लाख रुपए एग्जिस्टिंग और नया पैसा चार लाख रुपए इक्विटी से हमारे पास आने वाला है दस लाख रुपए का पुराना कैसा थ्री प्लस सेवन एग्जिस्टिंग इक्विटी न्यू इक्विटी मल्टीप्लाई बाई वन हंड्रेड तो हमारे पास आ गया फोर लैख डिवाइडेड बाई एटीन लैख ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू परसेंट इट इज लोअर देन फोर्टी परसेंट अब भैया अगर आप फोर्टी परसेंट से कम हो तो जो आपका पी रेशो है और जो आपका डेट का इंटरेस्ट रेट है वो कुछ नहीं होगा बेसिकली अगर आप इक्विटी e से पैसा मंगवा रहे हो तो डेट के रेट का तो सवाल ही नहीं उठता ये देखो यहाँ पर क्या है सेकेंड वाले केस में आप पैसा मंगवा रहे हो इक्विटी से तो डेट का जो एडिशनल रेट है उसे कोई लेना देना नहीं बस फर्क इतना पड़ेगा कि ये कह रहे थे फोर्टी परसेंट से ऊपर जाने पे पी ई रेशो भी गिरेगा अब आपका पी ई रेशो जो टेन चल रहा है वो टेन का टेन रहेगा तो यहां पर इन दिस केस पी ई रेशो विल रिमेन टेन ओके तो एक क्वेश्चन बिल्कुल सेटल है पूछा जाता है बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन रहेगा हमेशा बिल्कुल कॉपी पेस्ट इससे जो अगला क्वेश्चन है सेवेंथ वो पूरा कॉपी पेस्ट यही है एग्जाम में भी आ चुका है इसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा आपको एक एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट दे देंगे जहां से हम अपनी कैपिटल एम्प्लॉय ढूंढ के निकाल लेंगे फिर हम आर निकालेंगे रूलिंग एम हमें निकाल के रखना है उसके बाद में हम देखेंगे कि अगर लोन से पैसा मंगवाया तो डेट रेशो क्या होगा और अगर इक्विटी से मंगवाया तो क्या होगा इस रेशो से क्या फर्क पड़ने वाला है ये बताएं आपको घुमा रहे हैं सिर्फ जिससे क्वेश्चन को बड़ा दस नंबर का किया जा सके अदरवाइज ये सीधे कह देते कि अगर डेट से पैसा मंगवाओगे तो वो बारह पे आएगा और पी रेशो एट हो जाएगा सीधे लाइन लिख देते पर क्या करना है घुमा के आपसे निकलवाना है जिससे वर्किंग बढ़ेगी वर्किंग बढ़ेगी तो नंबर पड़ेंगे इस क्वेश्चन ने हमसे ईपीएस का स्टेटमेंट नहीं मांगा एमपीएस का मांगा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि शेयर का प्राइस बताना है आपको प्रोबेबल प्राइस ऑन द शेयर ओके आ जाइए बहुत ही सिंपल है बहुत आसान ये दी एंड है पर्टिकुलर्स हमारे पास इसमें इन्होंने ऑल्टरनेटिव वन टू बोला है बस फर्स्ट सेकंड बोल दिया ठीक है ऑल्टरनेटिव वन ऑल्टरनेटिव टू ईबीआईटी हम निकाल चुके हैं कि जो हमारा ईबीआईटी है उसका आर ओ सी ट्वेंटी परसेंट है अब ट्वेंटी परसेंट कितने रुपए का होगा एटीन लैख का एटीन लैख कैसे 18 ऐसे आएगा यहां पर कर देता चार लाख रुपए नए यहां mention भी कर देता हूं, जिससे रिवीजन में ध्यान रहे एग्जिस्टिंग प्लस न्यू अब हम पर अट्ठारह लाख रुपए हो जाएंगे अभी बिजनेस में फोर्टीन लैख लगा रखे इन फ्यूचर एटीन लैक हो जाएंगे एटीन लाइक का ट्वेंटी परसेंट हो गया थ्री सिक्सटी अब हमारा ईबीआईटी थ्री सिक्सटी हो जाएगा वैसे भी टू एटी था इसके बाद में लेस इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट आपका फोर्टी थाउजेंड जा रहा है इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ओके वो तो जाएगा ही जाएगा न्यू नया इंटरेस्ट 12 से जाएगा फोर लैक पर अगर पैसा लोन से मंगवाते हो तो तो जो ऑल्टरनेटिव पैसा हम लोन से मंगवा रहे हैं और में से तो यहां पर का इंटरेस्ट और बढ़ गया यहां कोई इंटरेस्ट नहीं क्योंकि इक्विटी से पैसा आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स स्टेटमेंट बड़ा सिंपल होता है इसका खटखट निपट जाएगा टू सेवेंटी टू और ये हो गया थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड ओके लेस टैक्स फिफ्टी परसेंट है टैक्स हो सकता है आपको ना मिले तो मैं बता दूं ये जो इनकम स्टेटमेंट इन्होंने दिया है इसमें यहां पर आपको टैक्स का रेट मिल जाएगा फिफ्टी परसेंट टू सेवेंटी टू डिवाइड बाई टू वन थर्टी सिक्स वन सिक्सटी यहां पर आपके पास आ जाएगी अर्निंग आफ्टर टैक्स वन लैख थर्टी सिक्स थाउजेंड वन लैख सिक्सटी थाउजेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स पहले केस में आपके पास यहां लिख देता हूं एग्जिस्टिंग प्लस न्यू हाँ पहले केस में आपके पास जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं वो थर्टी थाउजेंड है और बाकी पैसा डेट से मंगवाया है कोई नया शेयर नहीं तो थर्टी थाउजेंड शेयर्स हो गए दूसरे केस में आपके पास थर्टी थाउजेंड शेयर्स तो है ही प्लस आपको चार लाख रुपए मंगवाने हैं इक्विटी शेयर से रूलिंग प्राइस पर और रूलिंग प्राइस फोर्टी रुपीज है यहां पर हमने रूलिंग प्राइस फोर्टी रुपीज निकाल के दिखाया था ईपीएस मल्टीप्लाई बाई पी रेशो तो एक बात बताओ बाकी सारे क्वेश्चन में ज्यादा बेटर क्वेश्चन हो गया नहीं ये क्वेश्चन अच्छा है टेन थाउजेंड शेयर्स फोर्टी थाउजेंड हो गए थर्टी थाउजेंड एग्जिस्टिंग टेन एडिशन ये आपके पास ईपीएस आ जाएगा यहां कहानी खत्म नहीं होगी बल्कि एमपीएस तक जाना पड़ेगा 136 थर्टी सिक्स डिवाइड बाई थर्टी थाउजेंड फोर पॉइंट फाइव थ्री वन सिक्सटी डिवाइड बाई फोर्टी थाउजेंड फोर पॉइंट जीरो जीरो अब मल्टीप्लाई करेंगे पीई -E रेशो से पीई -E रेशो यहां तो पीई -E रेशो टेन टाइम्स है लेकिन इस केस में पी रेशो एट हो गया है तो हमने जब लोन लिया था लोन वाले केस में हमारा डेट रेशो फोर्टी परसेंट से ऊपर चला गया था पी रेशो गिर कर एट हो गया था तो यहां पर एट रहेगा और यहां पर टेन रहेगा और हमारे पास ये आ जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर फोर पॉइंट फाइव थ्री मल्टीप्लाई बाई एट थर्टी सिक्स पॉइंट टू फोर और ये हो गया फोर्टी रुपीज क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं कि कौन सा प्लान सेलेक्ट करेंगे अगर ये हमसे पूछते कि कौन सा प्लान सेलेक्ट करना है तो प्लान नंबर बी सेलेक्ट होता रीजन बींग उसमें एमपीएस ज्यादा है इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी आपको नजर आएगा इसका ईपीएस ज्यादा है इसका एमपीएस ज्यादा है क्वेश्चन साइलेंट है तो जिसका एमपीएस ज्यादा होता है उसे सेलेक्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन में हमसे कोई सजेशन नहीं मांगा गया इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली सिर्फ क्या कहा गया है कि आपको मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना होगा प्रोबेबल प्राइस सिर्फ वो बताना है उसके अलावा कुछ नहीं पूछा तो सिर्फ प्राइस निकाल के इसको क्वेश्चन को यहां पर छोड़ दिया जाएगा ये यह हमारा यहाँ तक का काम खत्म हो गया अब बाकी सब कुछ आपके पास में होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो ये एक हमारा पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया है कि ई से ई तक कैसे पहुंचा जाता है एक कंसेप्ट इसमें कल आएगा इनडिफरेंस पॉइंट का कल उसको देखेंगे हम लोग ओके बी क्यू सेवन होमवर्क है ई बी आई डी फिफ्टी टू लेख इंटरेस्ट ट्वेल्व परसेंट से ट्वेल्व लैख है ट्वेल्व लैख का इंटरेस्ट है ट्वेल्व परसेंट से यानी वन हंड्रेड लेख के डिवेंचर हो गए ये हमारे किस काम आएगा ये हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के काम आएगा इनकम टैक्स का रेट फिफ्टी परसेंट मिल गया एट लैख शेयर हैं दस रुपए का एक है यानी एट्टी लैख की इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई ये हमारे डेट हो गए इसके बाद में हमारे पास यहां पे दिया है रिटेन टू करोड़ है तो टू करोड़ के यानी वन ट्वेंटी के हमारे रिजर्व सरप्लस हो गए रिजर्व अब बताइए एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई 120 लाख ,00 की रिजर्व इक्विटी 80 लाख यानी इक्विटी फंड हो गया हंड्रेड हैं तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई थ्री हंड्रेड लेख कमाई कितनी कर रहे हो फिफ्टी टू लैखी टू लेख कमा रहे हैं थ्री हंड्रेड लेख लगाकर यानी सेवनटीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट आपकी एग्जिस्टिंग आर ओ सी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ओके द कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग टोटल कैपिटल आउटफ्लो फोर्टी लैख चालीस लाख की जरूरत और है यू आर इनफॉर्म दैट डेट इक्विटी रेशो डेट डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी इक्विटी में रिजर्व भी आएगा हायर देन थर्टी फाइव परसेंट पुश द केव पॉइंट फाइव के ई का कोई काम नहीं है के रेलिवेंट है मीन्स रिड्यूस पी रेशो टू एट अच्छा अभी पी रेशो कितना है आपका टेन तो पी रेशो एट हो जाएगा अगर आपका डेट रेशो थर्टी फाइव परसेंट से ऊपर गया और एडिशनल अमाउंट जो लोन पर लोगे वो फोर्टीन परसेंट पे मिलेगी क्वेश्चन ने कहा है प्राइस बताओ अगर एडिशनल फंड लोन से मंगवाएं तो और इक्विटी शेयर से मंगवाएं तो इन्होंने आर के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम क्या मानेंगे कि हमारी आर ओ परसेंट है तो वो मेनटेन रहेगी यानी हम अभी के थ्री हंड्रेड पर सेवनटीन कमा रहे हैं तो जो चालीस लाख रुपए और एड ऑन होंगे उस पर भी वो कमाई सेम हमारी बनी रहेगी सेवेंटीन पॉइंट थ्री थ्री बाई लिख सकते हैं परसेंट हमारे पास अब पैसा कितना हो जाएगा थ्री करोड़ फोर्टी लैख थ्री करोड़ पुराना लैख नया तो ये हमारे पास ई आ जाएगा फिर इंटरेस्ट माइनस करेंगे एग्जिस्टिंग दोनों में से जाएगा नए वाला फर्स्ट प्लान में जाएगा इसके बाद में टैक्स गया फिर नंबर ऑफ शेयर अभी आठ लाख ,00 हैं नए प्लान में हमारे शेयर्स बढ़ जाएंगे वो देखेंगे कितने बढ़ेंगे पी रेशो यहां पर आ गया और एमपीएस निकल आएगा इसके लिए अब आपको करना क्या पड़ेगा सबसे पहले अभी की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है थ्री करोड़ अभी का आर कितना है सेवनटीन डेट रेशो अगर लोन पे पैसा मंगवाएं तो और डेट रेशो अगर इक्विटी से पैसा मंगवाएं तो तो ये रेशो निकल आएगा ये 35 परसेंट से कम है तो यहां सब कुछ ठीक रहेगा ये 35 परसेंट से ऊपर है तो इसका पी रेशो गिर जाएगा तो इसका पी रेशो यहां पर एट हो गया इसका टेन ही रहा ओके इसके आधे नंबर ऑफ शेयर चालीस लाख रुपए मंगवाने हैं शेयर से पच्चीस रुपए का शेयर है तो वन थाउजेंड शेयर शू करने बिल्कुल कॉपी पेस्ट है कोई डिफरेंस नहीं तो ये होमवर्क में अब हम लोग जा रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन की तरफ पास्ट ईयर क्वेश्चन दिखाता हूं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन टू होमवर्क है ये बीक्यू फोर है हमने जो आज बीक्यू फोर किया था ये वो है मैं आपको बता दूं जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो सारे बीक्यू से ही मिलेंगे आपको तो पास्ट ईयर क्वेश्चन इसलिए रखे हुए हैं जिससे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है इसका कॉन्फिडेंस रहे दूसरा एक ट्रेंड का आइडिया रहता है अच्छा ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बहुत आइडिया लगता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा एग्जाम में ये क्वेश्चन इतने नंबर का आया था तो हम भी कर सकते थे या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बाकी सिमिलर होते हैं बिल्कुल तो इंडिया लिमिटेड को फिफ्टी लैख की जरूरत है ईबीआईटी उसका टेन लैख होगा ये बेसिक क्वेश्चन है तीन हैं कि डेट से पैसा मंगवाएं लाख लाख या बीस या लाख तो टोटल लाख की जरूरत है डेट से पांच मंगवाओगे फोर्टी तो फाइव इक्विटी से बीस मंगवाओगे तो थर्टी इक्विटी से थर्टी मंगवाओगे तो ट्वेंटी इक्विटी से कह रहे हैं हमारे शेयर का प्राइस वन फिफ्टी है लेकिन वन ट्वेंटी फाइव हो जाएगा अगर आपने बीस लाख से ऊपर लोन लिया तो, तो पहले वाले केस में पांच लाख का लोन है कोई दिक्कत नहीं दूसरे में बीस लाख का लोन है कोई दिक्कत नहीं थर्ड में तीस लाख से ऊपर लोन ले लिया तो वहां पर शेयर का प्राइस एक हो जाएगा लोन का रेट नाइन परसेंट फाइव लाख तक फिर 14 चलेगा लाख से ऊपर टैक्स का रेट 40%, आपको ईपीएस निकालना है तो पहले जो क्वेश्चन आते थे वो एट मार्क्स के सिक्सटीन मार्क्स के ऐसे आते थे फिर फाइव और टेन मार्क्स के हो गए न्यू सिलेबस में फाइव और टेन मार्क्स के हैं तो ये क्वेश्चन या तो पांच नंबर में कर देगा गिराकर या इसको बढ़ाकर दस नंबर में जैसा भी स्कोप होगा इसके बाद में हमारे पास है पी वाई क्यू फाइव होमवर्क ये भी बी क्यू फोर है यानी बीक्यू फोर एग्जाम में दो बार आ चुका है अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था आपने ये देखिए पीवाई क्यू टू पढ़ा था आपने पचास लाख रुपए है चाहिए दस लाख का ई बी आई टी होगा पांच लाख बीस लाख और तीस लाख लोन पे मंगवाएंगे अब ये देखिए पीवाई क्यू फाइव हमें पचास लाख की जरूरत है ईबीआईटी हमारा दस लाख रुपए होगा हम पांच लाख रुपए या बीस लाख रुपए लोन से मंगवाएंगे वहां पर पांच लाख बीस लाख और तीस लाख तीन ऑप्शन थे यहां ऑप्शन टू कर दिए बाकी पूरा क्वेश्चन है कॉपी पेस्ट बिल्कुल कॉपी पेस्ट कह रहे हैं हमारा जो शेयर है वो थ्री हंड्रेड का है लेकिन टू फिफ्टी हो जाएगा अगर आपने ट्वेंटी लैख से ज्यादा लोन लिया तो, तो पहले वाले केस में आपने फाइव लैख का लोन लिया है प्राइस थ्री हंड्रेड रहेगा दूसरे वाले केस में बीस लाख का लोन लिया है तो भी थ्री हंड्रेड रहेगा अगर तीसरा ऑप्शन होता है बीस लाख से ऊपर लेते तो तो प्राइस प्राइस हो जाता तो यहां पे दोनों केस में प्राइस 300 ही रहेगा बाकी क्वेश्चन सेम सेम टू इसके बाद में एक है हमारे पास पी वाई क्यू एट होमवर्क ये लड्डू क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फोर फिफ्टी दे दिया हमारे पास एटी थाउजेंड इक्टी शेयर है दस रुपए का एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल आठ लाख रुपए की हो गई रिटेन अर्निंग ट्वेल्व लैख है ट्वेल्व लाख के रिजर्व हो गए हम वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड का इंटरेस्ट देते हैं ट्वेल्व परसेंट के रेट से तो डेट हमारे पास कितना हो गया का इंटरेस्ट के रेट से तो लोन हो गया दस लाख का तो टोटल हमारे पास थर्टी लैख की कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई ओके कह रहे कंपनी सोच रही है कि हम एडिशनल फंड सिक्स लैख के मंगवाए तो थर्टी लैख तो आप पे अभी छह लाख और मंगवाना चाहते हो इट इज एंटीसिपेटेड आफ्टर एक्सपेंशन द कंपनी हमारा आरोप सेम रहेगा तो अभी आपका ROI कितना है फोर फिफ्टी कमा रहे हो थर्टी लैख लगा कर यानी फिफ्टीन परसेंट रिटर्न कमा रहे हो आगे भी फिफ्टीन परसेंट कमाते रहोगे ओके okay. फिर कह रहे हैं कि ये जो हमें छह लाख मंगवाने या तो हम डेट से मंगवाएंगे ट्वेल्व परसेंट से या इक्विटी शेयर से मंगवाएंगे फोर्टी परसेंट पर आपको अर्निंग पर शेयर निकालना है अगर डेट से मंगवाएं तो और इक्विटी शेयर से मंगवाएं तो दस नंबर दस नंबर में क्वेश्चन ये नंबर से ऊपर की वर्थ नहीं है इसकी कोई बात नहीं ठीक है बच्चों का भी कुछ भला होना चाहिए और एक हमारे पास है पी वाई क्यू इलेवन होमवर्क BQ सिक्स BQ सिक्स जो अभी हमने किया है बिल्कुल ईबीआईटी दे दिया दस परसेंट इंटरेस्ट से दस लाख रुपए यानी हंड्रेड लाख का तो डेट हो गया टेन लाख के इक्विटी शेयर हैं दस रुपए का एक है हंड्रेड लाख के इक्विटी फंड हो गए रिजर्व 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 वन पॉइंट फोर करोड़ के रिजर्व है फोर्टी लैख के रिजर्व तो हमारे पास टोटल फंडिंग हो गई थ्री फोर्टी लैख पचास लाख रुपए कमा रहे हो फिफ्टी लैख कमा रहे हैं थ्री फोर्टी लैख पर फोर्टीन पॉइंट सेवन जीरो आर ओ सी हो गई कह रहे हैं कंपनी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है फोर्टी लैख का आपको बताया जा रहा है कि डेट इक्विटी रेशियो डी डिवाइड बाई डी प्लस थर्टी सिक्स परसेंट से ज्यादा होगा तो केई केई इग्नोर करना है P स रिड्यूसिंग P रेशो 8, तो P रेशो 8 हो जाएगा और लोन पर 12% परसेंट रेट लगेगा आपको शेयर का प्राइस निकालना है अगर लोन पे मंगवाएं तो इक्विटी मंगवाएं तो नंबर का क्वेश्चन तो इस तरीके से हमारे पास कहानी पूरी चल रही है तो आप लोगों को अब करना क्या है आराम से सुनिएगा देखो मैंने होमवर्क में कितने क्वेश्चन दिए बी क्यू सेवन पी वाई क्यू टू फाइव एट और इलेवन पांच क्वेश्चन हो गए अब आपको क्या करना है अभी जैसे आधे एक घंटे का ब्रेक ले लेना ले क्लास के बाद में ठीक है उसके बाद में आप क्या करोगे आराम से जो मैंने लिखवाया है करवाया है पूरा एक बार रीड करना सारे क्वेश्चन देखना फिर जो होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए हैं उन्हें करना उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर देखना इसी तरीके से हमारा चलेगा हम कोई फालतू बात नहीं करेंगे हम मैक्सिमम कंटेंट कवरेज पर ध्यान देंगे और कंसेप्ट कोई किसी तरीके का ना छूटे क्लास में खूब भर भर के क्वेश्चन होंगे कोई एक परसेंटेज उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है और आपको हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस भी आएगा ही आएगा ठीक है ओके जी सभी को टाटा बाय बाय